Myself, Dr. Beast, chemistry faculty, April classes. Today we are start the crash course for JEE I NEET classes, and the topic that we start today is basic concept of chemistry. This is basic concept of chemistry. Is the chapter, and the topic that we start is mole concept. ये क्रश कोर्स है इसलिए थोड़ा सा हमको टॉपिक को ओवरऑल कवर करना पड़ेगा तो थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ता है एंड टॉपिक हमारे पास जो कवर्ड है पहले दैट इज अ मोल कंसेप्ट हम ये तय करते हैं कि मोल है क्या सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मोल क्या है तो मोल की डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन रहती है डिफरेंट डेफिनेशंस हो सकती है तो उसमें से हमने जो पहला स्टार्ट किया मोल कंसेप्ट जनरल व्यू में हम मोल कंसेप्ट में एक वर्ड और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक वर्ड लिखेंगे हम लोग सॉल्यूट एक वर्ड लिखूंगा मैं सॉल्वेंट बिकम सॉल्यूशन अब हम बार बार सॉल्यूट में बोल के सॉल्यूट इज सिंबलाइज बाय बी इन ओवरऑल जब भी हम स्टार्ट करेंगे कहीं पर देखेंगे तो सॉल्यूट को हम बी बोलेंगे एंड सॉल्वेंट इज सिंबलाइज बाय ए नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ मोल दैट इज मोल इज सिंबलाइज बाय एम दैट इज ऑलवेज इक्वल टू गिवन मास by molecular mass or atomic mass जो भी है molecular mass or it will be for element atomic mass this is generally symbolized by given mass is W and molecular mass or atomic mass is symbolized by M So this is W by M. Second method for the calculating mole is mole N equal to given number of atoms, molecules, ions, electrons, कोई भी हो by Avogadro number. This is 6.023 into 10 to the power 23. Second method for the calculating the mole. Number 3, mole N again equal to given volume of gas by 22.4 liter if it is given in liter 21.4 if given volume of gas is in ml then it will be 22,400 ml same thing both are Number 4 is when we have given the molarity into volume, then mole will be calculated as molarity into volume. This is the millimole divided by 1000. These are the different method for calculating mole. Very first thing that we are going to discuss is AMU एक वर्ड जनरली इस्तेमाल होता है AMU दिस इज एटॉमिक मास यूनिट दिस इज एटॉमिक मास यूनिट जनरली डिफाइंड एज एटॉमिक मास यूनिट दिस इज एटॉमिक मास यूनिट
एटॉमिक मास यूनिट। इट इज बेसिकली द 1/12 मास ऑफ 1/12 द एक्चुअल मास ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, वन एटम ऑफ कार्बन। AMU, एटमिक मास यूनिट, इज द 1/12 पार्ट ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेट ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन और एनी अदर एटम, any atom of any other element. Just discuss about the mole, just carry on the concept of mole. One mole of any of the substance, we just have a different dimension for this. First one, one mole of an element contains 6.023 into 10 to the power 23 atoms. इतने सारे एटम मिलके एक मोल बनेगा, इतने सारे एटम्स का मास को हम बोलेंगे इसका एटॉमिक मास। दिस द एटॉमिक मास। और जनरली ये बहुत खूबसूरत चीज है कि एटॉमिक मास को हम लोग जनरली ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। वन मोल का दूसरा नाम ग्राम एटॉमिक मास भी है, तो इट इज द ग्राम एटॉमिक मास। दिस इज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास मींस दिस इज सिंपली अ वन मोल ऑफ एन एलिमेंट। अभी हम डिस्कस करते हैं उसके डिफरेंट वैरायटी में। पहले हम चार्ट बना लेते हैं। वन मोल ऑफ अ कंपाउंड। अच्छा, एलिमेंट तो अपना नेटिव स्टेट हो गया, जैसे सोडियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, लेकिन कंपाउंड का मतलब हो गया मल्टी एटॉमिक सब्सटेंस जिसमें एक से ज्यादा एटम होंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने आपको एक हाइड्रोजन दिया, एक हमने आपको H2 दिया। This is an atom, while the H2 itself is a compound, since it contains more than one atom. कोई भी substance हो, आपने NO लिखा, this is supposed to be a compound, not element. ये heterogeneous हो सकता है, ये homogeneous हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा atom अगर involved होते हैं, तो उसका हमेशा उसका नाम compound होगा। तो compound का सबसे छोटा particle होगा molecule. तो हम यहां एटम की बात कर रहे थे। अब हम थोड़ा सा, वन मोल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स 6.023 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स, इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें। अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम होंगे, हम अभी उस पर डिस्कस कर रहे हैं। और इतने सारे मॉलिक्यूल मिलके मॉलिक्यूलर मास बन जाए, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास, दिस इज मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास को दूसरी भाषा में हम बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दिस इज आल्सो नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नंबर तीसरी चीज जहां से हम वन मोल निकाल सकते हैं, ये हमारे पास है वन मोल ऑफ अ गैस एट HTP। व्हाट है HTP? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। Contains 22.4 liter volume at STP, 22.4 liter volume, 22,400 ml. Last one, one mole of an ionic compound, one mole of an ionic compound contains 6.023 into 10^23 ions. मोल के चार पॉइंट बना हमने, उसमें एलिमेंट हो सकता है, उसमें मलिक कंपाउंड हो सकता है, उसमें गैस हो सकती है, उसमें कोई आयनिक कंपाउंड हो सकता है।
अब हम ये टेक्निकली समझा पाएंगे आपको कि वन मूल में हमने कैसे निकाला, क्या पूछ सकता है और इसका क्या मतलब था। हम जो ये ऊपर स्टार्टिंग में लिखा था हमने 1/12 पार्ट ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर हमने ये बना लिया और ये समझ पाए हम लोग तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इसको अब हमने एक सिंपल वर्ड लिखा एटमिक मास ऑफ कार्बन, दिस इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम। इसका मतलब हो गया दिस इज दी वन मोल इक्वल टू वन मोल ऑफ कार्बन, वन मोल ऑफ कार्बन। अब वन मोल ऑफ कार्बन लिखा हमने, उसका एटमिक मास 12 है जिसको ग्राम एटमिक मास भी बोलेंगे। तो वन मोल ऑफ कार्बन पे हमारे पास हम लिख रहे हैं वन मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू 6.023 × 10³ एटम्स। इतने एटम्स का मास 12 ग्राम है, हमें निकालना है एक एटम का मास। ध्यान से चेक करो, कोरिलेट कर रहे हैं, इतने एटम्स इक्वल टू 12 ग्राम। वन एटम ऑफ कार्बन इक्वल टू 12/6.023 × 10³ ग्राम। दिस इज द एटॉमिक मास, दिस इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज रिलेटेड टू AMU, मींस हियर अगर मैं 1 AMU निकालता हूं कार्बन का, 1 AMU इक्वल टू 12 हमारे पास जो 12/6.023 × 10³ × 1/12 पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, वन एटम ऑफ कार्बन इज दिस, ये हमारे पास है। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू वन, ये 12 है हमारे पास 12 ग्राम, 6.023 12, वन एटम की वैल्यू ये आ गई। वन एटम ऑफ कार्बन का 1/12 पार्ट को हम 1 AMU बोलते हैं, तो 1 AM की वैल्यू हमारे पास आ गई ये 1/6.023 × 10³ बिकम्स आपके पास, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो 1.66 आएगा × 10⁴ −24 ये आ गया आपके पास। This is the value of 1 AMU. 1 AMU equal to 1.66 × 10⁴ −24. किसी का भी AMU in respect of carbon के terms में ही देखते हैं हम लोग। एक और point क्लियर करते हैं, थोड़ा सा point। इसको हमने हटा दिया, अब इसको एक point क्लियर करते हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा conceptual हो गया ये। अगर कोई आपको पूछता है कि 4 ग्राम helium और एक बोलता है कोई 4 AMU हीलियम, इन दोनों में डिफरेंस पूछेगा, सिंपल। तो 4 ग्राम हीलियम का मतलब हो गया हीलियम का मास बाय m इक्वल टू 4/4, आपके पास 1 मोल हो गया। दिस द 1 मोल, 1 मोल ऑफ हीलियम। हियर द 4 AMU हीलियम मींस 4/4 इक्वल टू 1 एटम ऑफ हीलियम। This is the basic difference between AMU and the gram. 4 gram helium means 1 mole of helium that should contain 6.023 × 10³ atoms, while 4 AMU helium means involve 1 atom of helium only. 4 AMU helium means 1 atom of helium is present in this given sample of substance in terms of mole. फॉर एग्जाम्पल वी आर गिवन, एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे बेटा। तो हमारे पास है सपोज CaCO3, वी आर बीन गिवन 200 ग्राम ऑफ CaCO3, 200 ग्राम फॉर एग्जाम्पल लिया 200 ग्राम ऑफ CaCO3 में कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो आपके पास ये बोलेगा हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इन द सिमिलर वे हाउ मेनी एटम्स ऑफ कैल्शियम, एटम्स ऑफ
कार्बन, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन एक ही से किया हमने। कैल्शियम कार्बोनेट हमको दिया, कैल्शियम कार्बोनेट में हमने डिफरेंट टाइप के कोई भी क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है बेटा, गिवन मॉलिक्यूल हमारे पास है। सब क्वेश्चन का एक ही टारगेट है कि पहले हम इसके मोल निकाल देंगे, मोल के अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिवली हम निकाल देंगे। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत आसान मेथड, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके मोल निकाल देते हैं। मोल इक्वल टू 200 ग्राम बाई इस मॉलिक्यूलर मास इज 100 ग्राम, दिस विल बी 2 मोल। इसको एक बार समझ लो बेटा, ये इसको आप भूल जाइए, आप ये 2 मोल है तो ये 200 ग्राम का हमने 2 मोल बोल दिया, ये 2 मोल है। अगर आपको क्या दिखता है यहाँ पर थोड़ा सा एक बार चेक करेंगे, बहुत आसान कंसेप्ट CaCO3 का। अगर 1 मोल है, 1 इज इसका आपका कोएफिशिएंट 1 है, 1 मोल है तो कैल्शियम का भी 1 मोल हो गया, कार्बन का भी 1 मोल हो गया, जबकि ऑक्सीजन के 3 मोल हो गए। इसका मतलब ये हुआ है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम 1 मोल है, कार्बन भी 1 मोल है, जबकि ऑक्सीजन के 3 मोल है। अगर हम एटम्स की बात करेंगे तो प्रोपोर्शनेट कर देंगे जैसे होता है, तो हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन हो गया कि अगर हमारे पास 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के इस कंपाउंड में है तो मोल ऑफ कैल्शियम जितने इस कंपाउंड के मोल होंगे उतने ही कैल्शियम के मोल है। हमने लिखा 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑल्सो इक्वल टू एटम भी यहीं पर निकाल देते हैं हम लोग, चलो नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब अगेन हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन भी हो गया, जबकि ऑक्सीजन के कितने मोल हो गए, 3 मोल। एक CaCO3 में 3 मोल्स ऑफ कार्बन साथ दिया, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हमारे पास आ गया कैल्शियम के एटम, तो 1 मोल कैल्शियम का है तो 1 into any atoms, any for abundant number, here 1 into any atoms of carbon, here 3 into any atoms of oxygen. And molecules means 1 mole में 6.023 होते हैं, तो इसमें 2 मोल है तो 2 into any molecules, ये molecules हैं। इलेक्ट्रॉन्स की बात आ रही, मेन चीज है इलेक्ट्रॉन बेटा। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, हमने इस कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 हो गया तो कैल्शियम पे 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन तो 3 ऑक्सीजन में 24 इलेक्ट्रॉन्स। ओवरऑल हमारे पास एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट में, एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, देखिए 26 + 24 हमारे पास 10 और 50 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 50 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल। मैं लिख रहा हूं अब ये, वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है कितने, देखते हैं मॉलिक्यूल, 2 into any molecules, तो 2 into any molecules ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट शुड कंटेन 50 into 2 into any electrons. This is one. बहुत सिंपल तरीका हो गया बेटा, एक ही क्वेश्चन को हमने डिफरेंट मेथड से क्या क्या पूछ सकता है वो निकाला। अब इसी क्वेश्चन का टाइप 2 पूछता है बेटा, दिस इज द टाइप 1, ये जो क्वेश्चन था ये हमारे पास टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन आ गया। अगर बेटा टाइप 2 हम लिखते हैं इसमें, थोड़ा सा टाइप 2 को समझ पाएंगे हम लोग क्या है। इसी में हमको एक क्वेश्चन दे दिया है बेटा, मोल्स को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा चेक करेंगे बेटा, आप ये दे दिया बेटा आपको मैग्नीशियम फॉस्फेट, दे दिया बेटा मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 होल्ड प्राइस। अब क्वेश्चन ये है, इफ कंडीशन इज दैट, टाइप 2 क्वेश्चन बेटा है, दिस द टाइप 2 क्वेश्चन, ये टाइप 2 क्वेश्चन हो गया। मैग्नीशियम फॉस्फेट में क्वेश्चन ये पूछेगा, इफ द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन दिस गिवन कंपाउंड इक्वल टू 0.4, देन कैलकुलेट मोल्स ऑफ मैग्नीशियम
फर्स्ट फॉर अस ये पूछेगा, जब ऑक्सीजन के 0.4 मोल है तो उस समय मैग्नीशियम और फास्फोरस के मोल्स या एटम पूछ सकता है बेटा, वो जितने भी होंगे उस हिसाब से। आप तरीका सुनिए, ये इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस पॉइंट को, क्वेश्चन टाइप टू हो गया बेटा। जैसे हमने रिलेट किया, थोड़ा सा चेक करना है आपको, स्टार्टिंग की हमने बिल्कुल पुराने क्वेश्चन से कि Mg3PO4 होल ट्वाइस हमारे पास है, तो इसका मतलब अगर इसके 1 मोल है, मैं दोबारा लिख रहा हूं, 1 मोल ऑफ Mg3PO4 होल ट्वाइस मेरे पास है तो मैग्नीशियम के 3 मोल है इसमें। अगर 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट का है तो मेरे पास 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इस समय 3 मोल्स मैग्नी, फिर मैं रिलेट करूंगा। और आपको मालूम है 2 मोल इसमें आपके फास्फोरस के, 2 मोल्स फास्फोरस, और आपके पास 8 मोल्स, 8 मोल्स ऑक्सीजन है बेटा, यहां पर 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है देयर इन। अगर ये अब आपने जस्टिफाइड करना है कि मोल ऑफ ऑक्सीजन जो हमको गिवन है 0.4 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 8 मोल ऑक्सीजन के हैं तो उसमें 3 मोल मैग्नीशियम के हैं, तो 0.4 मोल अगर ऑक्सीजन के तो कितने मोल मैग्नीशियम के, दैट इज द क्वेश्चन। तो हमने पहला लिखा वहां पर जो दिया है वो नॉर्मली गिवन दैट 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। तो 8 मोल्स की जगह पर हमारे पास अगर दिया है 0.4 मोल, 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास आ गया 3/8 × 0.4 मोल, ये बेटा इतना एम जी के मोल आ गया हमारे पास, इतने मोल्स ऑफ एम जी आर देयर। हम सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट हटा के आप कर सकते हैं, फोटो गया फिर डिवाइड आ जाएगा, लेकिन फिलहाल ये आपके पास इतने मोल्स आएंगे, प्रोपोर्शनेट करना है, ये ए पॉइंट हो गया ए। बी अगर मैं लिखता हूं यहां पर, इसको भी लिखता हूं मैं यहां पर इसी क्वेश्चन को, फास्फोरस के मोल्स भी मुझे ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बनाना है, तो अगर ऑक्सीजन के 8 मोल है तो फास्फोरस विल हैव 2 मोल्स, मींस 8 मोल्स ऑक्सीजन इक्वल टू विल हैव 2 मोल्स ऑफ फास्फोरस, 2 मोल फास्फोरस, तो हमारे पास तो 0.4 मोल है, 0.4 मोल ऑक्सीजन इक्वल टू 2/8 × 0.4 मोल्स ऑफ फास्फोरस, दिस इज ऑल अबाउट। हमको उसके अंदर सपोज करने की भी बोल सकता है क्वेश्चन, तो दिस इज टाइप टू क्वेश्चंस रिगार्डिंग द मोल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। हियर वाज कंटिन्यू द फर्दर कंसेप्ट ऑफ मोल, 1 mole concept or mole is for the ionic compound. Suppose we have the simple ionic compound NaCl undergoes dissociation leading to the formation of Na plus and Cl minus. ये हमारे पास है। अगर suppose कर लीजिए बेटा, इसका logic सुन लेना बेटा, इसका 1 mole है इस समय, तो ये Na के भी 1 mole है और Cl का भी 1 mole है। नंबर टू, अगर हमारे पास यही क्वेश्चन देता है K2Cr2O7 या K2CO3 लिख दिया था हमने, अंडरगोस डिसोसिएशन अगेन 2K पॉजिटिव प्लस CO3 माइनस 2 अगर है ऐसा, तो इसका मतलब हो गया कि अगर इसके 1 मोल हमारे पास है, इसका 1 मोल है तो इसके आपके पास 2 मोल्स है, ये देखिए 2 मोल्स का मतलब 2 × Na आयंस ऑफ K पॉजिटिव होंगे 2 मोल, और इसके आपके पास हो गया बेटा 1 मोल। अब सपोज इसी में हमने एक और चीज लिख दिया, एल्युमिनियम फास्फेट, ये इसको डिसोसिएट किया, दिस विल बी Al+3+3SO4 डाई नेगेटिव। अगर ऐसा है, हमने अब आपको दिया कि इसके 0.02 मोल है, बहुत आसान चीज, तो अब आपको इसके मोल निकालना है, तो ये 1 की वैल्यू 0.02 है, तो ये 2 × 0.02 और ये हो गया 3 × 0.02 मोल, खत्म है, छोटा सा लॉजिक, प्रोपोर्शनल करना है, 1 है तो ये 2 है, तो जितना भी है इसका डबल और वो इसका ट्रिपल हो जाएगा, मोल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस प्रेजेंट इन अ आयनिक कंपाउंड। तो हमने एक दूसरा कंसेप्ट बताया आपको मोल निकालने का, तो इससे भी हम मोल निकाल सकते हैं।
ये मूल का कंसेप्ट था बड़ा, मूल के कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। दिस इज द टॉपिक नंबर टू फॉर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैं सबसे पहले मैंने आपको लिखा फर्स्ट मोलारिटी। This is generally defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. As we define it, if we just go for its formula, then it will be WB for solute, given mass of solute by molecular mass of solute into 1000 by 1000 for ml के लिए आया बेटा। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये आपके पास आ गया बेटा मोलारिटी इन जनरल फार्मूला, जिससे आप मोलारिटी निकालेंगे। अभी हम जो जस्टिफाई कर रहे बेटा उसको नंबर 2 मोलारिटी का दूसरा फार्मूला बेटा, इफ कंडीशन, इसको ज्यादा पूछता है मैं, टिक कर रहा हूं। इफ परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास w बाय w एंड डेंसिटी इज गिवन and density is given, then molarity will be calculated as given percent strength by mass into density into 10 upon molecular mass। अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे तब मालूम चलेगा। अब दूसरा पॉइंट, ये तीन वर्ड इस्तेमाल होते हैं बेटा, ये आपके लिए हिंट है, आपको समझना पड़ेगा। ये हिंट ये है कि अगर आपको परसेंट, सपोज कर लीजिए कि आपने बोला, आपको बोला 30% बाय मास, ये इसको लिख के आएगा W बाय W। इसका मतलब है कि 30 ग्राम सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोला आपने, सॉल्वेंट उसमें से आपको मालूम है 70 ग्राम होगा। इसका मतलब हो गया फिर जो WB है, इसका मतलब WB इस समय आपके पास है बेटा 30 ग्राम, और जो WA है सॉल्वेंट, दिस विल बी द 70 ग्राम। टोटल मिला के आपके पास हो जाएगा बेटा ये 100 ग्राम। नंबर वन कंसेप्ट। अगर बेटा सेम कंसेप्ट पूछता है आपको 30% बाय वॉल्यूम, ये वर्ड लिख के आएगा बाय वॉल्यूम मींस W बाय B। इसका मतलब होता है बेटा, इसका मतलब है बेटा, इसका मतलब आपके पास आएगा 30% बाय वॉल्यूम का मतलब हो गया। अभी भी W बाय B बोला तो W फॉर ग्राम हो गया, तो WB अभी भी 30 ग्राम है, जबकि वॉल्यूम जो आपके पास है बेटा, ये आपके पास वॉल्यूम 100 ml का सॉल्यूशन है, ये V आ गया 100 ml, ये ग्राम था, WA था, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml हो गया बेटा। दैट इज द पॉइंट, यानी कि 100 ml के सॉल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है। दैट इज द पॉइंट। सी आपके पास आ गया है 30%, इसी में हमको बोला V by V, ये इसका मतलब हो गया हमारे पास 30 ml of liquid is dissolved in 30 ml, यानी कि आपके पास जो V है सॉल्यूट है, यानी कि एक लिक्विड है वो 30 ml है, उसका सॉल्यूशन में आपके पास लिक्विड A इक्वल टू 30 ml which is present in 100 ml of solution, solution volume of solution इससे में हो जाएगा बेटा 100 ml, ये दोनों ml है। liquid A is present in another liquid B and solution overall becomes 100 ml। ये तीन अलग अलग वर्ड हो गए, 30% by mass, 30% by volume, 30% V by B, तो सबका मतलब अलग अलग है, इसको समझना है। यहाँ पर हमने मोलारिटी निकाला केवल परसेंट स्ट्रेंथ बाय मास वाले से इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तीसरा बटन हमारे पास, अगर हमने मोलारिटी निकालना हो इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी, तो रिलेशन लिख रहा हूं मैं यहां पर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। तो मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी का रिलेशन इन जनरल बेटा, मोलारिटी इक्वल टू, अब हम इसको डिस्कस करें बेटा, मोलारिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी अपॉन एन फैक्टर। अब हम एन फैक्टर डिस्कस करेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। दिस द एन फैक्टर,
अभी हम डिस्कस करें एन फैक्टर को टोटल. एन फैक्टर बेसिसिटी हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नंबर हो सकता है कितना हुआ, ये डिफरेंट टाइप के एन फैक्टर्स आएंगे. तो एन फैक्टर को डिस्कस अभी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने थर्ड लिख दिया कि एम और एन का रिलेशन कैसा था. मोलारिटी का टर्म्स बेटा, मोलारिटी का नंबर फोर्थ का, व्हेन मैं लिख रहा हूं यहां पर, व्हेन टू सिमिलर टाइप ऑफ सॉल्यूशंस मिक्स टुगेदर, टू सिमिलर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मिक्स टुगेदर, दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन नहीं, दो सिमिलर टाइप के सॉल्यूशन मींस आइदर बोथ आर एसिडिक और बोथ आर बेसिक, then resultant molarity of the solution will be calculated by using M1V1 plus M2V2 equal to आपके पास M3 is a resultant, V1 plus V2. अगर थ्री टाइप के सॉल्यूशन सिमिलर होंगे तो M1V1 plus M2V2 plus M3V3 equal to M4V1 plus V2 plus V3. क्वेश्चंस अभी हम रिलेट करेंगे बेटा. थोड़ा सा और पॉइंट, अगर बेटा इसमें हमारे पास दोनों बेस है तब भी यही फॉर्मूला लगेगा, रिजल्टेंट बेस की मोलारिटी निकल जाएगी. हमारे पास दो सिमिलर टाइप के सॉल्यूशन या दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन होने पर अगला पॉइंट नंबर 6 के बाद 5 आ गया, when two different types of solutions mixed together, then different term means one is acidic, another one is basic. One is acidic and another one is basic. अगर है तो हमारे पास ये लॉजिक आएगा, M1V1 minus M2V2 equal to M3 again, लेकिन V1 plus V2 तो हमेशा रहेंगे बेटा. सॉल्यूशन दो कोई भी होंगे अगर हम मिलाएंगे तो वॉल्यूम तो हमेशा बढ़ेगा, लेकिन ये कुछ हद तक न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसलिए M1V1. अब क्वेश्चन ये है कि M1V1 minus M2V2 equal to M3 में से ये क्या है, एसिड है बेस? अरे ठीक से समझ लो बेटा, अगर M और V एसिड का मल्टीप्लीकेशन करके ज्यादा आता है, बेस का कम आता है, तो ये एसिड है वो बेस है. अगर बेस का ज्यादा आएगा M और V को मल्टीप्लाई करके तो ये बेस है, तो फिर उस समय ये एसिड है. अगर ये एसिडिक है बड़ा वाला तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक आएगा. अगर बेसिक है बड़ा, ये एसिड कम हो गया, बेस ज्यादा है, एसिड का मल्टीप्लिकेशन कम हो गया, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन भी आपका बेसिक आएगा. तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन किस नेचर का होगा, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मिलीमोल्स ऑफ एसिड और बेस. इफ द हायर millimoles of acid are there as compared to base, then resultant solution will be acidic and vice versa. आप ऐसा बोल सकते हैं. Point is that question है कि suppose हमने इस समय लिखा 200 ml M5 H2SO4 solution plus इसी में हमने लिख दिया बेटा 500 ml M10 सॉल्यूशन का रिजल्टेंट मोलारिटी निकाल. अब आपको टेक्निकली समझना है बेटा, ये एसिड है और ये बेस है आपके पास. एसिड बेस आपके पास है, इनकी मोलारिटी आपको निकालना रिजल्टेंट, तो दिमाग में रहना चाहिए इन दोनों का ये देखो M इसका आपके पास 1/5 है, इसका 200 है, डिवाइड करेंगे तो आपका 40 आ रहा है, इसको डिवाइड करेंगे तो 50 आ रहा है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके 50 आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आपका 40 आ रहा है. तो बेस ज्यादा है तो इस समय फॉर्मूला बिल्कुल सामने लिखा हुआ था, इसका रिजल्टेंट हमारे पास ये इस समय उस क्वेश्चन के लिए ये बेस है और ये एसिड हो गया. तो मैं बेस को पहले लिखूंगा आपके पास 1/10 इंटू 500 माइनस 1/5 इंटू 200 इक्वल टू M3. M3 रिजल्टेंट निकालना है और V1 plus V2. V1 is 500, V2 is 200. यानी कि आपके पास 500 plus 200.
तो ये हमारे पास जो M3 निकल गया बेटा, दिस विल बी 50 माइनस दिस विल बी 40 बाय 700 इक्वल टू M3. तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी बेसिक, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ M इनटू V फॉर बेस इज हायर देन दैट ऑफ एसिड, तो दिस विल बी 10 बाय 700 M3 मींस 1 बाय 70. अब इसको 1 बाय 70 M बोल सकते हैं बेटा. तो जब दो डिफरेंट होंगे तो आपको समझना है कि जो बड़ा होगा उसको पहले लिखना है और जो कम होगा उसको बाद में लिखना है. एसिड बड़ा है तो एसिडिक सॉल्यूशन का नेचर आएगा, बेस बड़ा है तो बेसिक सॉल्यूशन का नेचर आएगा. सिक्स नंबर में फॉर सिक्स टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जनरली आस्क फॉर मोलरिटी इज दैट व्हेन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड, व्हेन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड एडेड देन रिजल्टेंट मोलरिटी विल बी ऑलवेज कैलकुलेटेड एज एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू. जो V2 आपके पास है दिस विल बी V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड. ये आपके पास अब सपोज कर लीजिए आपको बोला, अब अभी क्वेश्चंस करेंगे बेटा, क्वेश्चन आप डिफरेंट टाइप का लेंगे, आप समझना है आपको. नंबर सेवन, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलारिटी इसका भी सॉल्यूशन है. सपोज कर लीजिए हमको मोलारिटी और मोलारिटी के टर्म्स में रिलेशन करके भी मोलारिटी निकालनी, तो दिस विल बी स्मॉल एम इक्वल टू हमेशा बेटा ऑलवेज कैपिटल एम इंटू थाउजेंड कैपिटल एम फॉर मोलारिटी बाई 1000 इंटू डी फॉर डेंसिटी माइनस एम इंटू एम वी. ये सारे फॉर्मुले डिराइव्ड होते हैं. ये फॉर्मुले डिराइव होते हैं कैसे करेंगे वो आप क्रैश कोर्स में नहीं बता पाएंगे आपको, तो ये पूरा डिटेल रहता है कि कहाँ से आ रहा है फॉर्मुला. जैसे इससे पहले भी हमने परसेंटेज स्ट्रेंथ का फॉर्मुला लिखा होगा तो ये कहाँ से आएगा, सबका डेरिवेशन है अपना अपना. लेकिन फिलहाल हम अप्रोच क्लियर करें कि अगर हमको रिलेट करना हो तो कहाँ से रिलेट करेंगे. तो हमारे पास सेवन फॉर्मूला आ गया बेटा रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलारिटी के टर्म्स में. अब क्वेश्चन है फॉर मोलारिटी, फॉर इन एग्जांपल फर्स्ट वी टेक देन फर्स्ट क्वेश्चन 6.02 इनटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया बेटा यूरिया मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 60 ये कितना होगा आपको ग्राम पर मोल are dissolved in 100 ml of solution. Then what will be its molarity? Calculate molarity of urea solution. एक नॉर्मलाइज हमारे पास लॉजिक आया बड़ा मोलारिटी निकालना है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि मोलारिटी के लिए हमको डिफरेंट टाइप के मोल्स थे. हमने सबसे पहले निकाला कि यूरिया के मोल्स कितने थे, मोल्स और वॉल्यूम हमको दिया 100 ml तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे. तो मॉलिक्यूल को मोल में कन्वर्ट करने का हमने आपको तरीका बताया कि कभी भी मॉलिक्यूल दिया है बेटा तो मोल्स ऑफ यूरिया लिख देता हूं मैं सीधा, मोल्स ऑफ यूरिया इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 20 बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 आपके पास हो गया बताइए 10 की पावर माइनस 3 मोल ऑफ यूरिया. बस उसके बाद हमें मालूम है मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ यूरिया यानी कि एनपी हो गया सीधा इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन एमएल. बस मोलारिटी आ गई. मोलारिटी एनपी इज जनरली हमारे पास आया 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर बाय वॉल्यूम इन एमएल मींस 100 एमएल. तो हमारे पास ये 1 है 1 बाय 100 बिकम 0.01 m मोल पर लीटर. दिस इज द मोलारिटी. हमको मॉलिक्यूल दिया हुआ था हमने मोल निकाल दिया डायरेक्ट. तो कभी भी मॉलिक्यूल देगा वेट देगा वॉल्यूम देगा तो सब जगह पर हमने मोल निकाला, मोल के बाद कोई भी मोलारिटी निकाल देंगे हम. क्वेश्चन फॉर एसिड बेस दूसरा क्वेश्चन हमने लिया हुआ नंबर 2. सपोज कर लीजिए आपको दे दिया 200 ml
H2S 200 ml, m/10 H2SO4 solution is mixed with 1/5 m any OH solution for complete neutralization. For complete neutralization, how much volume of any OH is required? This is a question. अच्छा, अगर हमने बोला आपको कि दोनों एसिड बेस है, जनरली अगर आप फॉर्मूला ये इस्तेमाल करेंगे, देखो बेटा m1v1 = m2v2, तो एवरी टाइम यू विल गेट दैट रॉन्ग आंसर. फॉर दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन और कंपाउंड्स वी ऑलवेज गो फॉर द नॉर्मलिटी इक्वेशन. दिस इज ऑलवेज m1v1 = n2v2. We always use this equation because molarity can be changed, but normality cannot be changed for anywhere in this solution. Point is that the more accurate value for such type of questions, we always use normality equation, not molarity equation. For this purpose, this happens. This because of the reason that H2SO4 and NaOH both do not have the equal N factor. We are discussing the N factor right now, but first of all, we just solve this one. H2SO4 हमारे पास है, NaOH है. ये तो normal question होगा, तो Na H2SO4 का N factor 2 होता है और NaOH का N factor 1 होता है. तो पहले हमने इसको M को N में बदलना पड़ेगा by using this formula जो हमने study में लिखा था. Molarity equal to normality upon n factor. नहीं तो हमारे सारे आंसर गलत आएंगे इस समय जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा. तो हमारे पास फॉर H2SO4 के लिए बात चल रही है, तो H2SO4 का हमें मोलारिटी दे रखी है 2 1/10. मोलारिटी इसकी 1/10 है. इक्वल टू नॉर्मलिटी हमें निकालना है और n फैक्टर इसका 2 होता है, तो नॉर्मलिटी विल बी 2/10 मींस 1/5. दिस इज द नॉर्मलिटी फॉर H2SO4. और नॉर्मलिटी ऑफ NaOH और मोलारिटी दोनों की सेम है क्योंकि इसका N factor 1 है बेटा. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम H2, ये मैंने लिख दिया H2SO4, ये मैंने लिख दिया आपको NaOH, ये अब आप करेंगे नॉर्मलिटी वाले क्वेश्चन. नॉर्मलिटी इसकी होगी 1/5, ये 1/5 आया. वॉल्यूम नॉर्मलिटी का हमको दे रखा है, दिस इज फॉर H2SO4, तो 200 ml वॉल्यूम must be equal to N2. हमारे पास है NaOH के लिए 1/5 और volume is to be calculated. This one is. तो हमारे पास आ गया 5, तो volume equal to इसका भी 200 ml. For complete neutralization, 200 ml of NaOH is required for the neutralization of H2SO4 for the given concentration. तो कभी भी अगर हमको M और इसमें कंफ्यूजन आता है, तो हमेशा जब भी n फैक्टर डिफरेंट वाले होंगे तो हम हमेशा ये फॉर्मूला लगाएंगे. अगर ये n फैक्टर सेम वाले होते तो फिर हम इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं. तो n फैक्टर डिफरेंट होने का मतलब हमने नॉर्मलिटी इक्वेशन लगानी है, और n फैक्टर सेम होने पर हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है. हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन को. Similar type of question, we take the second example for the kit. This is the more important than others. That is why we just take the second example also for the same pattern. Since S3PO3 has a N factor 2, we are discussing N factor later on. Right now, its N factor is 2, its N factor is 1, means we cannot use the molarity equation for the purpose. Again, so we have the S3PO4 here, and KOH is there. Its given value of molarity should be changed into its normality for the correct method for calculating the required volume of the given substance. S3PO4 n factor equal to 2. अभी बताते हैं आपको n factor 2 कैसे आता है इसका. ये फिलहाल 2 हो गया, तो हमने लिखा यहाँ पर 20 ml 0.1 m aqueous solution of S3PO4 का मतलब हो गया हमें अगेन इसका 20 ml
0.1 m H3PO3 का इक्वल लिख दिया, दिस इज 20 ml, 0.2 m, 0.2 n H3PO3। यहां पर जो इसके मोलारिटी है वही इसके नॉर्मलिटी, क्योंकि n फैक्टर 1 है, तो हमें इसका 0.1 m है, इसको हमने ये और इसका 0.1 m और 0.1 n ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी क्योंकि n फैक्टर 1 है। इसका मतलब हमने नॉर्मलिटी इक्वेशन अगर लगाना हो फॉर द पर्पस, तो n1 v1 इक्वल टू n2 v2। n1 हमारे पास है, ये n1 इसके लिए हमने लिखा इस तरह H3PO3, कोई कंफ्यूज नहीं करना, और यहां पर लिखा हमने KOH। अच्छा, H3PO3 अगर हम लिख रहे हैं तो इसका नॉर्मलिटी इज 0.2 इनटू वॉल्यूम इज 20 इक्वल टू n2, वी हैव बीन गिवन 0.1 एंड वॉल्यूम इज टू बी कैलकुलेटेड। तो हमारे पास आगे बढ़ाइए 0.1 0.2 पॉइंट हट गया, 40 आ गया, तो वॉल्यूम इक्वल टू 40 ml, KOH 40 ml, 0.1 m is required for the complete neutralization of the given volume and molarity of aqueous solution of H3PO4. Now we are going to discuss about the n factor, which is very important as well as the very conceptual n factor. Concept of n factor. First, number one, we start the n factor for acid, n factor of acid of an acid equal to basicity, इसके आगे molecular mass upon its basicity. Basicity means number of replaceable hydrogen. Number of replaceable hydrogen. अच्छा, इसका मतलब समझ लीजिए पहले, बहुत important logic हो गया। Suppose मैंने बहुत आसान question से शुरू किया H2SO4। अब आपको bonding वाला chapter आना चाहिए इसके लिए। H2SO4 में कितने replaceable hydrogen हैं? आप थोड़ा समझ पाएंगे मैं concept को clear कर रहा हूँ। इस बॉन्ड बनाने का तरीका देखो, ये S है, सबसे पहले S लिखा, मेन एलिमेंट, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वही सेंट्रल एलिमेंट है, वो तो सेंट्रल एलिमेंट सल्फर हो गया। इसके साथ एसोसिएट कैसे करते हैं, कभी भी सबसे पहले हम करते हैं एक OH का बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड O, ये परमानेंट बनेगा। SOH और S डबल बॉन्ड O हमेशा बनेगा, किसी में भी n फैक्टर निकालते हुए ये बॉन्डिंग आना हमें मैंडेटरी दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, इतना बनाने के बाद सल्फर की जगह कोई फास्फोरस हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन हमें एक OH और एक डबल बॉन्ड O बनाना मैंडेटरी है। देयर आफ्टर अगर इस सब्सटेंस में इतना बनाने के बाद एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन और बचता है, तो हम एक OH का बॉन्ड और बनाएंगे, दो हाइड्रोजन एंड दो ऑक्सीजन बचते तो दो OH बनेंगे, तीन हाइड्रोजन तीन ऑक्सीजन बचेंगे तो तीन OH बनेंगे। अगर हमारे पास सिंपली एक ऑक्सीजन बचता है, बाकी हाइड्रोजन नहीं बचता, तो डबल बॉन्ड O बनेगा, अगर हाइड्रोजन बचता है तो सिंगल बॉन्ड H बनेगा। किसी भी बॉन्डिंग का एक पर्टिकुलर फंडामेंटल है कि मेन एलिमेंट एक OH एक डबल बॉन्ड O, तब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे। उसके बाद अगर इस कंपाउंड में एक OH और बचता है, तो इसमें एक OH और लग जाएगा, दो OH बचेंगे तो टू OH, इफ ओनली सिंगल ऑक्सीजन रिमेनिंग नॉट हाइड्रोजन देन इट विल बी कनेक्टेड बाय द डबल बॉन्ड, इफ ओनली हाइड्रोजन इज रिमेनिंग देन नॉट ऑक्सीजन इट विल फॉर्म द सिंगल बॉन्ड विद मेन एलिमेंट। हियर इतना बनाने के बाद हमारे पास दो हाइड्रोजन थे, चार ऑक्सीजन थे, उसमें से एक हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन आएगा, तो कम से कम एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन तो बचा, तो ये OH हो गया। और आपके पास यहां पर जो बचा हुआ अकेला ऑप्शन है वो डबल बॉन्ड O हो गया। इसका मतलब हो गया इस कंपाउंड का ऑक्टेट पूरा होना मैंडेटरी है, या ऑक्टेट से ज्यादा होना, मतलब सल्फर का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। इसके बाद जब इसका ऑक्टेट पूरा हो, तो जितने इसमें H है OH के बॉन्ड है, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी बेस के थ्रू, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का मतलब वही है, तो दो हाइड्रोजन रिप्लेस होने का मतलब इस समय इसका n फैक्टर 2 आ गया। तो हम n फैक्टर को रिलेट कर रहे हैं इसी के साथ, n फैक्टर के साथ, तो कभी भी हमने इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो ये होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर,
मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। जैसे अभी हमने H2O सुपर का अगर इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो इक्विवेलेंट मास इसके आ जाएगा बेटा हमारे पास, दिस इज इट्स मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। लेकिन एक मिनट, अब दूसरा पॉइंट, इफ देयर इज अ क्वेश्चन H2SO4 मेरे पास हुआ, मैंने इसमें NaOH की रिएक्शन की और ये कंपाउंड बन गया मेरे पास NaHSO4 प्लस H2। अब इस क्वेश्चन में H2SO4 का एंड फैक्टर पूछा, क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल बी द एंड फैक्टर ऑफ H2SO4 इन द गिवन इक्वेशन। हमने अभी भी बोला कि अगर नॉर्मल H2SO4 देता है तो एंड फैक्टर 2 हो गया, जबकि इस रिएक्शन में इसमें एक्सपेक्टेड दो हाइड्रोजन हट सकते थे लेकिन यहां एक ही हाइड्रोजन हटा, NaHSO4 हमारे पास है बेटा, यहां पर दो हाइड्रोजन हट सकते थे लेकिन उनमें से केवल एक ही हाइड्रोजन हटा है, तो जितने रिप्लेस्ड हाइड्रोजन है, इस समय अगर मैं एन फैक्टर की बात करूंगा, एन फैक्टर इक्वल टू 1 हो गया रिप्लेस्ड हाइड्रोजन। यहां से कितने रिप्लेस्ड हुए, रिएक्शन में हमेशा नंबर ऑफ रिप्लेस्ड हाइड्रोजन, ये रिप्लेस्ड हाइड्रोजन इज एन फैक्टर, तो इट्स एन फैक्टर इज 1। तो इस केस में H2SO4 का जो इक्विवेलेंट मास बनेगा इस रिएक्शन के लिए दैट विल बी m/1 फॉर रिएक्शन। अकेला है तो 2, कोई मना नहीं कर रहा है क्योंकि एन फैक्टर 2 है, तो दो हाइड्रोजन हम हटा सकते हैं किसी बेस के थ्रू। अगर हमारे पास एक मोल NaOH के साथ H2SO4 रिएक्शन की केवल एक ही हाइड्रोजन हटेगा तो इसका मतलब एन फैक्टर इज राइट नाउ इट्स सपोज टू बी रिप्लेस्ड हाइड्रोजन। अच्छा तीसरा पॉइंट मैं इसी में लिख रहा हूं, अगर और दूसरा पॉइंट, दिस इज द एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक सॉल्ट, इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। ये अगर मैं इसी में एसिडिक सॉल्ट का मतलब होता है कि इसमें से एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो सकता है, इसकी सारी प्रॉपर्टी एसिड की तरह मैच करेंगी, जो एसिड का कैरेक्टरिस्टिक होता है इस सॉल्ट का भी कैरेक्टरिस्टिक एसिड की तरह ही होगा, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द एसिडिक सॉल्ट। अगर हमने आपको पूछा NaCO3 NaHSO4 का एंड फैक्टर पूछा, तो इसमें आपको मालूम है कितने H और हट सकते हैं, 1, तो इसका एंड फैक्टर भी 1 हो गया, तो ये रिप्लेसिबल हाइड्रोजन आ गया, अगेन दिस इज द रिप्लेस्ड हाइड्रोजन, दिस इज रिप्लेसिबल हाइड्रोजन, अकेला देगा तो रिप्लेसिबल हाइड्रोजन। अगर आपको बोलेगा कि किसी रिएक्शन वाइज पूछेगा कितना एंड फैक्टर है, तो जितने हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हुए हैं वो उसका एंड फैक्टर माना जाएगा। नंबर 4, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, फॉर फॉस्फोरिक एसिड नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने दिख रहे हैं वो हमारे पास 3 है, तो एंड फैक्टर 3 है या नहीं है चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला हम बनाते हैं इसको, दिस इज फॉस्फोरस 1OH बॉन्ड इज देयर, एक डबल बॉन्ड O परमानेंट रहेगा ये, और अब हमारे पास जितने हाइड्रोजन बच गए, 2OH ग्रुप बच गए, तो हमारे पास 2OH आ गए, तो दिस इज राइट नाउ एंड फैक्टर इज 3, इट्स एंड फैक्टर 3, कोई गड़बड़ नहीं, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 3 है। मैं इसी में नंबर 4 लिख रहा हूं, 5 लिख रहा हूं, अगर हमने लिखा H3PO3 हाइड्रोजन, यहां पर भी 3 है यहां पर भी 3 है, ऐसा लगेगा कि एन फैक्टर 3 ही होगा, बिल्कुल नहीं होगा एन फैक्टर 3, हम इनको चेक कर लेते हैं, इट्स स्ट्रक्चर विल बी POH डबल बॉन्ड O, और अब हमारे पास एक ऑक्सीजन बच गया, दो हाइड्रोजन तो एक OH बना और एक हाइड्रोजन यहां सिंगल बॉन्ड लग गया, तो कितने OH बने, केवल 2, तो 2OH बनेगा तो एन फैक्टर भी 2 ही हो गया, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास m/2 होगा, इक्विवेलेंट मास इज m/2, इट्स इक्विवेलेंट मास इज m/3, ऑल्दो बोथ हैविंग 3 हाइड्रोजन एटम्स। नंबर 5, 6 इसी में हमने लिखा H3PO2, ये आपके पास हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 POH, हमारे पास एक डबल बॉन्ड O एंड 2 हाइड्रोजन, तो एक ही OH बना, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि तीनों का एन फैक्टर 3 होगा, बिल्कुल नहीं, इसमें 3 OH बॉन्ड बनते हैं एन फैक्टर 3, इसमें 2 ही OH बनते हैं एन फैक्टर 2, इसमें एक ही OH बनेगा एन फैक्टर 1 हो गया, तो आपके पास एन फैक्टर इक्वल टू 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास हो गया m, इसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन n, इसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, इसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन 3, जस्टिफाइड हो गया। PO4 प्लस NaOH, दिस विल बी NaHPO4 प्लस H2O। इन दिस इक्वेशन एन फैक्टर ऑफ H3PO4 इज सपोज टू बी 1,
n factor is supposed to be 1 because only one hydrogen is being substituted, it being replaced by respective sodium. तो एक ही हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट 3 हो सकते हैं लेकिन हुआ एक तो n फैक्टर 1 हो गया तो इस समय इसका n फैक्टर 1 हो गया तो इसका n फैक्टर 1 का बना हमारे पास जो ये आ गया ये भी एसिडिक सॉल्ट हो गया. अब मैं थोड़ा सा बेस के तौर निकल रहा हूं एक और पॉइंट लिख के. सपोज हमने लिख दिया इसी में H3PO4 ये का PO3 प्लस 2NaOH दिस विल बी H2Na2HPO4 plus 2HH2. In this equation, H3PO4 has an factor 2 and Na2HPO4, both the hydrogen are replaced, so the n factor will be 2. इसमें दो replaceable hydrogen थे, दोनों को दोनों replace हो गए, तो ये common salt हो गया बेटा. ये acidic salt था क्योंकि इसमें से और hydrogen replace हो सकते हैं, लेकिन this becomes common salt. This is the common salt, not acidic salt. In the similar way, we can also calculate the n factor of base. हम n factor का discussion कर रहे थे, n factor में different logics थे. और n फैक्टर का मतलब ये नहीं कि जितने हाइड्रोजन होंगे वही एसिड का n फैक्टर होगा. हमने आपको बोला था कि जितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं या रिएक्शन में रिप्लेस्ड हाइड्रोजन है वो n फैक्टर है. तो हम बेस का भी निकालते बेटा. दूसरा हमारे पास पॉइंट आया n फैक्टर के टर्म्स में, नंबर 2 n फैक्टर ऑफ बेस. n फैक्टर बेस इक्वल टू molecular mass of respective base by acidity. अच्छा acidity को हम लोग बोल सकते हैं replaceable hydroxyline, replaceable hydroxyl ion. इसका मतलब एग्जाम के द्वारा हमने सिंपलेस्ट क्वेश्चन लिया. सपोज NaOH एक ही रिप्लेसिबल है, अगर मैं HCl के साथ रिएक्शन करता हूं तो ये H2 plus NaCl बन जाएगा. एक ही OH रिप्लेसिबल है तो इसका n फैक्टर 1 हो गया. इसमें कोई गड़बड़ नहीं है. 1 नंबर B CaOH होल्ड प्राइस बोला बेटा हमने. इस रिप्लेसिबल हाइड्रोजन OH हाइड्रोक्सिल आयन एट 2 तो इसका n फैक्टर 2 हो गया बेटा. अगर हम थर्ड सी लिखते हैं इसी का, अगर रिएक्शन वाइज हमारे पास है CaOH होल ट्वाइस प्लस HCl तो हमने रिएक्शन किया दिस विल बी CaClOH प्लस H2O. इन दिस रिएक्शन CaOH इज कन्वर्टेड इनटू CaClOH मींस ओनली वन OH ग्रुप इज रिप्लेस बाय Cl by releasing one mole of H2O means n factor of CaOH hold price in this reaction is 1 only. This is the basic salt. कल हमने ये हमने acidic salt पढ़ा था. This is the basic salt. Basic salt means one more OH can be replaced. अब अगर हमको कोई पूछेगा इसी में CaOHCl का n factor कितना है तो हमारा answer होगा n factor equal 1 means one more hydroxyl ion can be replaced by respective acid. Again तो n factor इसका 1 हो गया बड़ा. Again simplest logic कि n factor of base निकालने के लिए acidity, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं कि जितने hydroxyl ion होंगे उसका n factor. तो यहाँ पर एक exception है, थोड़ा सा आपको बताते हैं. This one is the exception, और भी होंगे लेकिन यहाँ पर exception की बात थोड़ा सा clear कर लेते हैं. अगर कोई पूछेगा BOH होल थ्राइस, दिस इज द बोरिक एसिड, वी कैन से दैट इट इज H3BO3 हाइड्रोक्सिल आयन. अगर हम इसको बनाते हैं तो BOH OH एंड OH ये हमारे पास है. तो हमको लगेगा कि 3 OH है तो इसका रिप्लेसिबल आपके पास 3 हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं. दिस इज एसिड, पहली बात तो ये एसिड है, ये बेस नहीं है. दिस इज द बोरिक एसिड, हाइड्रोक्सिल आयन है लेकिन फिर भी इसको आप बोलेंगे तो दिस इज द बोरिक एसिड.
और बोरिक एसिड का आपके पास जो एन फैक्टर होगा बेटा नॉट सपोज टू बी 3, ऐसा लगेगा कि 3 है, तो किसका 3 नहीं है, क्यों नहीं है 3? हमको समझना पड़ेगा कि अगर कभी भी कोई सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का अपना ऑक्टेट अगर पूरा नहीं है, बोरोन के पास अभी केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2+2+2, 6 इलेक्ट्रॉन्स, मींस स्टिल बोरोन इज नॉट सपोज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, मींस किसी भी कंपाउंड में जब सेंट्रल एटम ऑक्टेट पूरा नहीं होता तो वो अपने OH या हाइड्रो ये H पॉजिटिव आयन को रिलीज नहीं कर पाएगा, वो कभी भी उस समय हम एन फैक्टर को 3 नहीं बोलेंगे बेटा। तो अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं, इट्स एन फैक्टर इज नॉट इक्वल टू 3। कैसे होता है इसका एन फैक्टर? हमने रिएक्शन लिखा ऊपर H O B OH और OH लिखा, ये लुईस एसिड है तो इसके मतलब यहां से कोई भी बेस इसको लोन पेयर दे देगा। सपोज हमारे पास ये H2 है, ये दो लोन पेयर है इसके पास, एक ऑक्सीजन ने इसको लोन पेयर दे दिया तो दिस बिकम्स आपके पास ऑक्टेट इसका पूरा हो गया, लेकिन ऑक्सीजन ने लोन पेयर देने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हो सकता इसलिए ये OH के बॉन्ड को तोड़ देगा तो यहां से एच पॉजिटिव रिलीज हुआ। तो किसी जो लोन पेयर दे रहा है उस स्पीसीज से प्रोटॉन रिलीज हुआ है, खुद से नहीं हुआ है, जो स्पीसीज उसकी मदद कर रहा था ऑक्टेट पूरा करने के लिए उस स्पीसीज से अगर प्रोटॉन रिलीज होता है, मोनोबेसिक एसिड, मोनो मीन्स वन, किसी बेसिक एबिलिटी वाले सब्सटेंस के जब लोन पेयर देगा तो वहां से प्रोटॉन रिलीज होगा तो दिस कंपाउंड बिकम्स BOH होल 4 नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव, दिस इज व्हाई इट्स एन फैक्टर इज सपोज टू बी 1, क्योंकि एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है ये और साथ में OH बॉन्ड को तोड़ के प्रोटॉन रिलीज हो रहा है लेकिन इट इज नॉट प्रोटोनिक एसिड, इट इज सपोज टू बी मोनोबेसिक एसिड, दिस इज मोनोबेसिक एसिड, इस एन फैक्टर इज सपोज टू बी 1। तो एक्सेप्शनल केस है कि जितने OH होंगे हम उतने OH के OH बॉन्ड को तोड़ के एन फैक्टर 3 डायरेक्टली हर जगह नहीं बोल सकते, वो तब तक नहीं बोल सकते जब तक सेंट्रल एलिमेंट का खुद का ऑक्टेट पूरा हो जाए, अगर खुद का ऑक्टेट पूरा हो जाए तो तभी OH बॉन्ड तोड़ के प्रोटॉन रिलीज हो सकता है, अदरवाइज हमेशा सेंट्रल एटम इज सपोज टू बी लुईस एसिड, ability to accept lone pair of electron, तो वो किसी लुईस बेस से लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के बाद उस लोन पेयर डोनर से प्रोटॉन निकल सकता है, such type of substance are known as the monobasic, अगर दो ऐसा होता तो डाइबेसिक हो जाता, इस समय ये मोनोबेसिक एसिड नॉट मोनोप्रोटोनिक एसिड, इट इज नॉट सपोज टू बी मोनोप्रोटोनिक एसिड, नॉट मोनोप्रोटोनिक एसिड, मोनो प्रोटोनिक एसिड, इट इज नॉट सपोज टू बी मोनोप्रोटोनिक एसिड, इट इज सपोज टू बी मोनोबेसिक एसिड हैविंग एन फैक्टर इक्वल टू 1, सिंपलेस्ट, वेरी सिंपलेस्ट, एंड कंसेप्चुअली हमने देखना था कि कैसे हुआ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बेटा, हमने एन फैक्टर ऑफ बेस बनाया, एक्सेप्शन बता दिया कि ये ऐसा लगेगा कि ये बेस है लेकिन वो एसिड था, और एसिड में भी हमने ये बताने की कोशिश की भाई सभी एसिड जितने OH बॉन्ड होंगे वो नहीं तोड़ेंगे, बल्कि कोई अगर लुईस एसिड है तो लुईस एसिड आर सपोज टू बी तो मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक एसिड्स, सिंस दे देमसेल्फ नॉट रिलीज प्रोटॉन, वो किसी बेस से प्रोटॉन रिलीज करेंगे इस बेस से। अब हम थर्ड पॉइंट में पहुंचे बेटा, नंबर 3, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट, एन फैक्टर सॉल्ट, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट बाय चार्ज, चार्ज ऑन कैटायन और चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन कैटायन और चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन, इट मींस हमने एक ही देखना कि किसी भी सब्सटेंस में जितने कैटायन होंगे उतने एनायन होंगे, तो कैटायन और एनायन का एक पर्टिकुलर तरीका है बेटा, जैसे सपोज करो कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस AXBY है, इट अंडरगोज डिसोसिएशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस बाय दिस मैनर, इसका जो अपनी एटमिसिटी x है बेटा, इसकी वैल्यू ये x पहले मैथमेटिकल है, ये x पहले, ये a, ये जो
y है, b का नंबर जो y दिख रहा है, ये y a के ऊपर जाके प्लस बन जाएगा, देन बीच में प्लस आ गया, b का अपना नंबर y है, पहले y लिखेंगे, फिर b लिखेंगे, और फिर ये x इधर जाके माइनस बन जाएगा, तो ये कैटायन बन गया, ये एनायन बन गया। हमेशा किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस को डिसोसिएट करके कैटायन और एनायन बनाने का ये फंडामेंटल रूल है। अच्छा, इस रूल के बिहाफ पर अगर हम सिंपल कोशिश करते हैं, NaCl का हमने इक्विवेलेंट मास निकालना और n फैक्टर निकालना है, तो NaCl को हमने ब्रेकअप किया, दिस इज दिस अंडरगोज डिसोसिएशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ Na+ एंड Cl- क्योंकि वन मोर मॉलिक्यूल है, तो इसका जो n फैक्टर हो गया बेटा, दिस इज इक्वल टू 1 हो गया, और इक्विवेलेंट मास बोलूंगा इसका NaCl का, तो दिस विल बी इट्स मॉलिक्यूलर मास अपॉन वन, अगेन 55.5 अपॉन वन हो जाएगा, क्योंकि आइदर कैटायनिक चार्ज वन है या एनायनिक चार्ज वन है। नंबर टू, अगर आपको किसी ने बोला Na2CO3, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 2Na पॉजिटिव, ये कार्बोनेट एक बार है पूरा, ये O3 है, कार्बन 3 नहीं है, इसलिए समझना है कि ये X2 हो गया, Y1 है, तो ये 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 डाई नेगेटिव कार्बोनेट आई, तो कैटायनिक चार्ज भी 2 है या एनायनिक चार्ज 2 है, तो n फैक्टर 2 हो गया और इक्विवेलेंट मास हो गया m/2। नंबर 3, हमने कोई दूसरा कंपाउंड ले लिया, सपोज करो मैग्नीशियम फास्फेट ले लिया, Mg3PO4 होल ट्वाइस, इसको डिसोसिएट किया हमने, तो ये डिसोसिएट करते हुए हो जाएगा 3Mg प्लस 2 प्लस ट्वाइस PO4 माइनस 3, कैटायनिक चार्ज 6, नेगेटिव चार्ज 6 मींस एनायनिक, तो n फैक्टर विल बी 6, दिस इज द n फैक्टर फॉर द सॉल्ट। सॉल्ट का कभी भी n फैक्टर निकालना हो तो हम कैटायन और एनायन बनाएंगे, जितना कैटायनिक चार्ज है या एनायनिक चार्ज है दैट इज सपोज टू बी n फैक्टर, एंड इट्स इक्विवेलेंट मास विल बी ऑलवेज इक्वल टू m/6, ये m/6। This is all about for the n factor of salt. सबसे बड़ी चीज में पहुंचे हम इसके बाद, अभी आपको लिखना है, आज के लिए मैं टाइम दे रहा हूं आपको, आप नोट करेंगे, नोट करके लिखेंगे आप, जब तक हम यहां बोलते नहीं आपको कि यू आर सपोज टू जस्ट राइट दी ऑल राइट द थिंग्स रिटन इन द बोर्ड, then until that time you peoples, yeah, you are supposed to listen and understand the things only. Here the condition number 4, n factor of very much interesting and beautiful questions are supposed to be asked from this logic. N factor of oxidizing on reducing agent, oxidizing or reducing agent, oxidizing and reducing agent, oxidizing or reducing agent, आप समझते हो oxidizing agent का मतलब हो गया दूसरों को oxidize करने वाला, reducing agent का मतलब दूसरों को रिड्यूस करने वाला, मतलब एजेंट का मतलब समझ लो, जैसे कोई बोलता है आपको LIC का कोई एजेंट है, तो LIC एजेंट का मतलब LIC अपने खुद की थोड़ी कराता है, वो LIC एजेंट का मतलब हो गया दूसरों के LIC कराने वाला, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है आपके पास, जैसे कोई आपके पास दूसरे का एजेंट है कोई बोलता है, तो दूसरे का एजेंट होने का मतलब हो गया उसके बिहाफ पर आप काम कर रहे हो, तो एजेंट का मतलब बिल्कुल वही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद को रिडक्शन करने वाला, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब दूसरों को रिड्यूस करके खुद को ऑक्सीडाइज करने वाला, तो इनका जो n फैक्टर होगा बेटा, n फैक्टर ऑफ सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर ऑलवेज द मॉलिक्यूलर मास अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आज क्या मतलब हुआ इसका, ऐसे कितने वैरायटी के क्वेश्चन पूछता है, हमने सबसे पहले एक चीज क्लियर किया, नंबर 1 ए लिखा मैंने, एक ही सब्सटेंस के इन डिफरेंट मीडियम एन फैक्टर भी डिफरेंट हो सकता है, आपको समझना है, जैसे KMnO4 बोला इन एसिडिफाइड मीडियम, एसिडिक मीडियम, हमने यहां पर लिखा
n factor या equivalent mass of KMnO4 in acidic medium ये लिखा। इसका मतलब हुआ KMnO4 in acidic medium, ये वैसे भी important reactions होती है बेटा। acidic medium का मतलब H2SO4। इसमें हम S cell के reaction नहीं कर सकते, उसका region clear करते हैं अभी, क्यों नहीं कर सकते ऐसे है? H2SO4 ही acidic medium में लाइन को लेना पड़ेगा। तो H2SO4 के साथ अगर मैं reaction करता हूँ उसकी, तो this will always convert into K2SO4 plus MnSO4 plus H2O plus nitrogen oxygen। अच्छा बैलेंसिंग करूंगा तो 2 मोल ये MnSO4 के 2 मोल H2SO4 सल्फेट 3 हो गए, 2 सल्फेट एंड 1 सल्फेट मींस 3 H2SO4 3 H2O एंड ऑलवेज 5 nitrogen oxygens आर लिबरेटेड। 5 nitrogen oxygens, ये 5 nitrogen oxygens आर लिबरेटेड, यानी कि अब एक हिंट बताता हूं आपको, जितने nitrogen oxygen निकलेंगे वही उसका n factor है, जितने nitrogen oxygen दिखते हैं जनरली वही n factor है, बट इस रिएक्टेंट की एटमिसिटी 1 होनी चाहिए। सपोज अब मैं आपको चेक करा देता हूं, अगर ये डायएटमिक है तो फिर नहीं होगा ऐसा, अगर ये मोनोएटमिक है Mn अकेला है तो जितने nitrogen oxygen निकलते हैं बैलेंसिंग करते हैं वो उसका n factor है। लेकिन कैसे, अब आप KMnO4 को अलग से लिखो, यहां पर ये 2 को छोड़ दो, मैंने तो बैलेंस किया है, कोई मतलब नहीं होता बैलेंसिंग का, KMnO4 का कन्वर्ट करके ये बना टेक्निकली MnSO4। आपको मालूम है Mn का ऑक्सीजन नंबर यहां पर +7 आ गया और इसका ऑक्सीजन नंबर +2 आ गया, तो 7 वाला 2 में जा रहा है, तो n फैक्टर्स का फाइट हो गया, वैसे जितने नेशन ऑक्सीजन निकले थे वही उसका n फैक्टर था, तो n फैक्टर इक्वल टू 5, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 एसिडिक 5 इक्वल टू m/5 हो गया, दिस इज द m/5। अच्छा अगर मैं इसी को थोड़ा बदलता हूं, इसी चीज को बी करता हूं आपको, KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम, KMnO4 in alkaline medium, alkaline medium. अगर हम बोलते हैं तो equivalent mass of KMnO4 will be changed since its n factor will be changed. N factor change होगा तो equivalent mass भी change होगा, भले substance same हो। इसका मतलब different medium में oxidation number भी different आ सकता है। तो हमने लिखा KMnO4 plus NaOH या KOH, ये KOH लिख दिया, always converted into potassium magnetite K2MnO4 plus H2O plus nitrogen oxygen, बैलेंस करेंगे इसको 2 2 and 2, और आपके पास nitrogen oxygen आपके पास 1 रहेगा, साथ बैलेंस हो गया होगा 4 2 जा 8, 8 plus 2, 10, 8 oxygen, 9 और 1, 10, तो n factor 1 हो गया, क्योंकि nitrogen oxygen 1 निकल रहा है, वैसे आप justified करेंगे, n factor 1 कैसे आ रहा है, तो KMnO4 का oxygen number +7 हो गया यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, KMnO4 is converted into K2MnO4, तो ये +7 है, तो ये plus आपके पास 6 हो गया, 8 में से 2, तो यानी कि change in oxygen number will be 1, तो n factor equal to 1, वैसे जितने nitrogen oxygen निकलते वही n factor, तो n factor equal to 1, this is the n factor for KMnO4 in alkaline medium, KMnO4 in acidic medium। एक और चीज बताते हैं आपको कि KMnO4 का अगर हम बोल दें बेटा neutral medium में इसका oxygen number फिर change होने वाला है, अगर हम KMnO4 का neutral medium ले तो oxygen number will be changed like this manner। Just try to understand the fact that how the oxygen number changes from which number is converted into how much increase or decrease the oxygen number. We just consider that particular number. The difference of that number is supposed to be n factor for the substance. Here, number C condition, aqueous solution. Aqueous यानी कि न्यूट्रल मीडियम, ऑफ KMnO4 का n फैक्टर, तो न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 ये आपके पास है, प्लस H2O
न्यूट्रल मीडियम ऑलवेज कन्वर्ट इनटू MnO2 प्लस KOH प्लस नेचुरल ऑक्सीजन। KOH आपके पास इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं, ये दो मॉलिक्यूल हो जाते हैं और H2O के साथ ये दो मॉलिक्यूल हो जाते हैं। अच्छा चेक करेंगे आप, थ्री नेचुरल ऑक्सीजन आएंगे, 4 to 8 और 1 9, 2 to 4 और 2 6 और 3 9, कंप्लीट बैलेंस है। तो n फैक्टर 3 हो गया क्योंकि नेचुरल ऑक्सीजन 3 निकल रहा है, वैसे आप जस्टिफाइड करेंगे। इसका ऑक्सीजन नंबर यहां पर +7 हो गया बेटा और इसका ऑक्सीजन नंबर यहां पर 2 to 4 हो गया, तो ये +4 आ गया। तो इसका मतलब हो गया 7 से 4 में जा रहा है, तो ऑक्सीजन नंबर में डिक्रीमेंट आपके पास 3 हो गया, तो n फैक्टर विल बी 3। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 अगेन चेंज, यहां पर इक्विवेलेंट मास भूल गए थे हम इस वाले के लिए, इसका इक्विवेलेंट मास हमारे पास था m/1 और यहां पर इक्विवेलेंट मास आ गया इसका, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू m/3। ये बेटा अलग अलग मीडियम में KMnO4 का ऑक्सीजन नंबर भी अलग अलग हो सकता है। एक थोड़ा सा और पॉइंट क्लियर कर रहे, नंबर डी लिख रहा हूं बेटा मैं, K2Cr2O7 मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एसिडिफाइड एसिडिक मीडियम ऑफ K2Cr2O7 या Ne2Cr2O7 का n फैक्टर चाहिए हमको। तो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 कन्वर्टेड इनटू K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस नेचुरल ऑक्सीजन। अब बैलेंस करते हैं इसको, K2 Cr2 इज देयर, सल्फेट 4 है, 4H2 आ गया और नेचुरल ऑक्सीजन 3 आएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 दिस इज द नंबर 3 है, दिस इज 3। अच्छा 7 और 16 23 का मतलब 4 और ये 12 16 और 4 20 23, तो ऐसा दिखता है कि n फैक्टर 3 होगा। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ पाते, अभी हमने बोला था थोड़ी देर पहले कि जितने ऑक्सीजन लिबरेट होते नेसेंट फॉर्म में वही उसका n फैक्टर है, लेकिन यहां पर हम बोल रहे हैं कि अगर हमने K2Cr2O7 का n फैक्टर 3 लिख दिया यहां पर नेचुरल ऑक्सीजन देखो, ये गलत है। अब क्यों रॉन्ग हो गया आपको समझना बेटा, एटोमिसिटी, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर कैलकुलेटिंग द n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन इज दैट इफ वी टॉक अबाउट द नॉर्मल फिनोमेना फॉर कैलकुलेटिंग द ऑक्सीजन नंबर, देन इट शुड हैव द ऑक्सीजन नंबर डिफरेंस 3, मींस नेचुरल ऑक्सीजन 3 हो तो n फैक्टर मस्ट बी 3, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमको समझना है कि ये इसका एटमोसिटी देखना है, ये CR नहीं है, यहां MN था, हमें राइट साइड से मतलब नहीं होता है, हमें लेफ्ट साइड का जो रिएक्टेंट है उसकी एटमोसिटी देखनी है। तो यहां पर MN 1 था, यहां पर CR2 है, तो हमें n फैक्टर निकालते हुए 2x का डिफरेंस देखना पड़ेगा, x का नहीं। अगर कोई ट्राई एटॉमिक है तो 3x का डिफरेंस देखना पड़ेगा दोनों साइड। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा यहां पर K2Cr2O7 कन्वर्टेड इंटू Cr2SO4 होल थ्राइस, बस ये Cr2 है, ये 2 प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0, नॉर्मल केस में हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 2x की वैल्यू आ गई बेटा 12। हम इसको x में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये डायटमिक सब्सटेंस है, अगर ये डायटमिक फॉर्म में है तो 2x निकाल के छोड़ देंगे, x नहीं निकालेंगे। ये भी 2x निकालिए, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू आपका 6 आ गया। तो यहां पर डायटमिक सब्सटेंस, ये भी 2x की वैल्यू 12, ये 2x की वैल्यू 6 हो गया, तो चेक करेंगे आप 12 वाला 6 में कन्वर्ट हो गया, तो n फैक्टर बिकम 6 नॉट 3। तो इन दिस केस K2Cr2O7 हैज अ n फैक्टर इक्वल टू 6। इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आराम से इसको समझने की जरूरत है। सपोज कर लीजिए हमने आपको बोला, एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन लिखा बेटा, ये हमने Cl2 लिखा और इसका कन्वर्जन हो रहा है आपके पास Cl नेगेटिव में, बहुत आसान चीज, कहां से हुआ कैसे हुआ कोई मतलब नहीं, हमने एक रिएक्शन लिखा, तो लेफ्ट साइड में Cl2 है, देखो Cl नहीं है, तो इसका मतलब ये 2x की वैल्यू आपको मालूम है प्योर गैसेस है या प्योर कंपाउंड है, उनका जीरो हो गया, तो यहां पर x की वैल्यू आपके पास -1 आएगी,
तो हमें x नहीं चाहिए, हमें लेफ्ट साइड के एटम चाहिए 2x, तो 2x इक्वल टू आपके पास माइनस 2 हो गया, तो इसका जो n फैक्टर आ गया बेटा वो 2 आएगा। एटोमिसिटी ऑफ रिएक्टेंट विल डिसाइड द n फैक्टर ऑफ द सब्सटेंस, हमेशा जैसे 2 है अगर कहीं पर 3 होगा तो वो डिसाइड करेगा कि कहां पर उसकी वैल्यू 3x का डिफरेंस होगा। सपोज एक और पॉइंट लिख देता हूं 1 2, आपको बोला P4 इन नॉर्मली कन्वर्टेड इनटू PS3, ऐसा सिंपलेस्ट क्वेश्चन पूछा मैंने किसी ने। अच्छा इसका मतलब PX यहां पर एटोमिसिटी 4 है तो ये 4x की वैल्यू 0 होगी, और यहां पर जो ये x आया प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू माइनस 3 आ गई। हमें x बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें चाहिए आपके पास जो 4x है, एटोमिसिटी 4 की जो लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट है वो 4 है, तो हमें 4x का डिफरेंस लेना पड़ेगा। अगर मैं x इक्वल टू 0 लिखता हूं तो ये n फैक्टर 3 आगे, चेक करिए बिल्कुल नहीं है ऐसा, तो हमें चाहिए 4x, 4x इक्वल टू माइनस 12, तो डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन दिस रिएक्शन इज 12, सो n फैक्टर इज 12। n फैक्टर को सिस्टमेटिक समझना है, जो लेफ्ट साइड की एटमिसिटी होगी वो डिसाइड करेगी कि कितने x का डिफरेंस है। अगर ये लेफ्ट साइड में डायटमिक है तो 2x का डिफरेंस, अगर टेट्रा एटमिक है 4x का डिफरेंस, ट्राई एटमिक है 2x, टेट्रा एटमिक है, ट्राई एटमिक है 3x का डिफरेंस। तो आपको समझना पड़ेगा कि n फैक्टर नॉर्मली x का डिफरेंस नहीं है, एटमिसिटी ऑफ रिएक्टेंट विल डिसाइड द n फैक्टर ऑफ द गिवन रिएक्शन, दिस इज very important logic. On moving, the second concept of the n factor for the disproportional reaction, this one is the very beautiful concept and very beautiful and very systematic ideas are also for this specific disproportional redox reaction n factor. So I am saying हमारे पास एक लॉजिक है बेटा, हम आपको थोड़ा सा चेक ये क्लियर कर लेते हैं। n फैक्टर ऑफ डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, आप लोग डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन समझते हो एक ही एलिमेंट का, जैसे एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है, इन द सेम रिएक्शन इज नोन एज द डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। इनका इफेक्ट का मतलब थोड़ा सा समझ पाते पहले, सपोज आपको दो रिएक्शन है, ये आपने Cl2 लिखा, इसमें मैंने लिखा आपके पास NaOH हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट, नॉट डाइल्यूट एंड कोल्ड, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट लिखा, ये अभी हम डाइल्यूट एंड कोल्ड के भी करेंगे। ये आपके पास रिएक्शन बनेगा बेटा हमेशा NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2, अगर हम बैलेंस करते हैं तो हमारे पास आता बेटा इसके 3 और इसके 6, ये 5 और आपके पास ये 3H2, ये कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है। हमें अब Cl दो जगह दिख रहे हैं, ये Cl यहाँ एक ही बार है, जबकि यहाँ पर Cl एक NaCl के साथ है और एक क्लोरेटाइन में, सोडियम क्लोरेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो हमें n फैक्टर Cl2 का निकालने के लिए हम डायरेक्ट, अगर ये ही होता अकेला तो इसे निकाल देते, अगर ये डायरेक्ट कन्वर्ट उसमें जाता तो उसका निकाल देते, लेकिन ये Cl दो जगह पर है, एक जगह पर इस Cl का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में से कुछ हो रहा होगा तो दूसरी जगह पर अपोजिट हो रहा होगा। जैसे अब सपोज कर लीजिए n फैक्टर निकालना हो तो ये स्पेसिफिक कंडीशन होगी बेटा n फैक्टर के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज शुड बी अंडरस्टैंड as well as it should be written in mind also, because very very useful concept is applied here. तो हमने क्या करना पड़ा, यहाँ पर देखो Cl2 है, ये सबसे पहले convert होके जा रहा है NaCl, मैं इसको NaCl ही लिख देता हूँ, लेकिन अगर मैं NaCl में Cl लिखूंगा तो गलत नहीं होगा, जैसे हमने इसको भूल जाइया, फिलहाल आपको देखना है एक दूसरा यही Cl2 convert होके जा रहा है बेटा आपका NaClO3 में, हमने रिजल्टेंट n फैक्टर निकालना है Cl2 का। अब तय करेंगे आप, ये 2x हो गया इक्वल टू 0, डायटमिक है, यहां पर इसकी वैल्यू x ले लो, ये प्लस 1 है, प्लस 1 x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 1 हो गया। आपको x नहीं चाहिए बेटा, आपको 2x चाहिए तो ये माइनस 2 हो गया, डायटमिक तो 0 वाला 2 में गया तो n फैक्टर विल बी 2 हो गया इस केस में। तो n फैक्टर अगर 2 हो गया तो इक्विवेलेंट मास आ गया,
equivalent mass of Cl2 in this reaction equal to m by 2, equation number 1. In the similar way, in the second equation, Cl2 also converted into ClO3. यहाँ पर इसका reduction हुआ, 0 से minus 2 में गया तो ये reduction हुआ. यहाँ पर देखेंगे आप, again 2x equal to 0 है, यहाँ पर ये 1 plus x minus 6 equal to 0 becomes 5. तो हमें x नहीं चाहिए, फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन. ये 2x 0 है, तो हमें x की वैल्यू 0 नहीं चाहिए, बट हमें 2x 0 है, तो इसका भी 2x चाहिए. 2x equal to 10 हो गया. ये तो n factor यहाँ पर हो गया आपके पास 10. देखो n factor 10 हो गया. अच्छा अब दोनों का n factor निकल गया हमारे पास अलग अलग का. ये 2x यहाँ convert हो रहा, तो 2x का difference यहाँ पर भी diatom molecule में 2x का difference. अगर Cl2 separately इसमें जाता है तो n factor minus 2 हो गया, sorry मतलब n factor 2 हो गया. अगर Cl2 ClO3 में जाता है तो n factor equal by 10 हो गया. अब दोनों का n factor हमें मालूम चल गया, तो equivalent mass, इस Cl2 का equivalent mass equal to m by 10. m तो वही रहेगा 71, 35.5 into 2, 71 by 10. ये आपके पास 71 by 2, हमने m के terms में लिख दिया, कोई गड़बड़ नहीं है. अब केवल ये समझना है कि हमारे पास net कैसे निकलेगा. तो अब हम यहाँ निकलते हैं बेटा net equivalent mass. Net equivalent mass chlorine in this reaction equal to m by 2 plus m by 10. थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आप, LCM 10 आ गया, तो आपके पास ये आ गया बेटा 5m plus m, this is 6m by 10, यानी कि आपके पास आ गया 3 by 5 m, 3 by 5 m, इसका n, ये net equivalent mass आया बेटा, this is the equivalent mass. तो हमें n factor निकालने के लिए equivalent mass equal to molecular mass upon n factor, यही formula होता है. तो n factor निकाल लिया हमारा in this reaction में, n factor equal to m by equivalent mass, 3 by 5 m means 5 by 3, this is the n factor of Cl2 in this reaction. For the disproportional reaction, we just make separation of the oxidation and reduction reactions in the same. Then separately go for calculating the oxidation number, then equivalent mass, equation 1. Second time, same thing will be happen, and we calculate the equivalent mass of the same substance in another equation. This is equation 2. Now, net equivalent mass of Cl2 in this reaction will become, sidha nikal dijiye, uske baad aap equivalent mass nikalne ke baad n factor ka formula laga ke n factor nikal sakte. Kabhi bhi disproportionate reaction ka n factor bahut important hai. Aap nikal payenge isko. Hum ek question aur samjha dete hain aapko. Isi mein आप इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, एक बार पता कर लेता हूं मैं कैसे कहां पर. सपोज आपने ये कर दिया बेटा, आपने कर दिया P4 plus NaOH plus H2O. ये इस बार ISC बोर्ड की रिएक्शन थी 2020 की. IIC बोर्ड में आपको 12th क्लास में ये रिएक्शन पूछी गई है, इससे मैं बैलेंस करो करके. बैलेंसिंग ये मेथड होता है, लेकिन फिलहाल मैं आपको क्लियर कर देता हूं. यहां पर ये 3-3 मोल होते हैं, ये आपका NaH2PO2 बनता है प्लस PH3 बनता है, इसके 3 मोल लेते हैं ये बैलेंस हो जाएगा. अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर भी देखो फास्फोरस आपको दो जगह दिख रहे होंगे, पहले बैलेंस कर लो. 3 4 फास्फोरस, 3 प्लस 1 फास्फोरस, सोडियम 3, सोडियम 3, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन आपके 3 और 3 6, 3 2 6, हाइड्रोजन आर आपके पास आ गया 9, तो आपके पास 6 और 3 9 बैलेंस रिएक्शन है, सोडियम हाइपोफॉस्फेट. अच्छा अब बात हो रही है इस रिएक्शन में भी फास्फोरस डिस्प्रोपोर्शनल हो रहा, क्योंकि फास्फोरस दो जगह पर है, ये P4 एक बार यहां जा रहा है और यही P4 एक बार यहां जा रहा है. तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन में P4 का आपको निकालना है n फैक्टर. तो तरीका सुनिए आप, P4 पहले कन्वर्ट बना NaH2PO2,
हमें इस कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होता बेटा, हमें कंपाउंड से मतलब होता है, बैलेंसिंग फैक्टर नहीं है। तो P4 कन्वर्टेड इनटू इसमें हुआ, तो P4 का अगेन 4x हो गया, देखिए आप 0, और यहां पर ये 1 plus 2 plus x minus 4 equal to 0, तो x equal to आपके पास हो गया 1, 4, 3, 1 हो गया आपके पास। तो यहां हमें x नहीं चाहिए, हमें 4x चाहिए, तो this will be 4x equal to 4। अब आप चेक करेंगे 4x equal to 0, 4x equal to 4 means oxidation number difference will be 4, तो इसका n factor 4 हो गया, तो equated mass equal to आपके पास m by 4 हो गया, this will be m by 4, clear cut है, m by 4 हो गया, equation 1 हो गया। In this same second condition, P4 gives आपके पास PS3, again in the second equation, again ये 4x हो गया बेटा 0, और ये आपके पास x equal to minus 3 लिख देता हूँ सीधा, तो ये 4x 0 है, तो यहाँ पर भी 4x निकालना पड़ेगा आपको, equal to minus 12, तो difference equal to 12, तो n factor equal to 12 हो गया in case, in this case, तो equivalent mass of P4 in the given reaction will become m by 12, equation number 2, and at last net equivalent mass P4 in this reaction equal to m by 4 plus m by 12, ये 12 हो गया आपको मालूम है, ऊपर 4 आ गया, 4 3 जा और 1, तो 4m लिख देता हूं ऊपर, तो इसका मतलब हो गया ये 1 by 3m equivalent mass। तो हम अगर इसको at last solve करते हैं बेटा कि equivalent mass of P4 equal to molecular mass upon n factor for P4 in this reaction, so this will be n factor equal to m by 1 by 3m, तो आपके पास हो गया बेटा सीधा 3, n factor will be 3, ये integer type question में भी आता है, such type of questions are also asked in the integer type question, तो this one is the integer type question, numerical value जो आपको पूछ रहा है आजकल, उसमें भी आपको ये n factor पूछा जाता है बेटा कितना है, simplest logic for calculating the n factor of disproportional reaction। अब moving on, in the topic number 4, टॉपिक नंबर 3, फर्स्ट टॉपिक में हमने आपको मोलारिटी मोलारिटी के टर्म्स कराए, दूसरे टॉपिक में हमने इक्विवेलेंट मास के साथ एक पॉइंट कराया, अब मैं इसमें लिख रहा हूं बेटा इसका टॉपिक 3, टॉपिक 3 में अब इक्विवेलेंट मास के टर्म्स में नॉर्मलिटी आती है बेटा, तो नॉर्मलिटी का एक ही फार्मूला है, आप एक ही फार्मूले से एस्टीमेट करो, आप डिराइव नहीं करेंगे अभी, एक ही फार्मूले से w equal to n e v upon 1000, नॉर्मलिटी का एक ही फॉर्मूला है, या आप रिलेशन करके m और n का रिलेशन बना सकते हो, ये w फॉर वेट ऑफ सॉल्यूट है, इक्विवेलेंट मास है, वॉल्यूम इन ml है, नॉर्मलिटी है, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आप इससे कोई भी क्वेश्चन नॉर्मलिटी का हो तो आप इसे बना पाएंगे, नॉर्मलिटी का एक ही क्वेश्चन से जस्टिफाइड करो, और दूसरा अगर आप लिखते हो नॉर्मलिटी तो आप, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट मास निकाल दिया तो आप आराम से निकालते हो क्वेश्चन, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो मालूम चलेगा, दूसरा आपको मालूम है मोलारिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी अपॉन एन फैक्टर, ये हमने कल भी, हमने इससे पहले भी किया था, ये एन फैक्टर ये आपके पास आ गया, दो ही फॉर्मूले आपके नॉर्मलिटी के, जनरली नॉर्मलिटी यहां से निकल जाएगी, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे पहले समझ लेना, नॉर्मलिटी के टर्म्स एंड कंडीशन ये, और अगर दो सिमिलर टाइप के सॉल्यूशन मिक्स होते हैं, व्हेन टू सिमिलर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मिक्स टुगेदर, व्हेन टू सिमिलर, थोड़ी देर पहले भी लिखा था हमने, सिमिलर टाइप ऑफ सॉल्यूशन मिक्स टुगेदर, मिक्स टुगेदर, देन रिजल्टेंट नॉर्मलिटी विल बी एच सेम दैट ऑफ मोलारिटी एन वन वी वन इक्वल टू एन टू वी टू इक्वल टू एन थ्री इंटू वी वन प्लस वी टू, ये बेटा हमारे पास, अगर थ्री सिमिलर टाइम मीन्स ऑल एसिड्स ऑल बेस की बात हो रही है बेटा, तो कोई भी क्वेश्चन निकल जाएगा हमारे पास, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, when two different type of solutions mix together,
solution mixed together. Means either one is acidic or another one is base. Again, resultant normality will be N1V1 minus N2V2 equal to N3 into V1 plus V2. Again, हमारे पास for neutralization N1V1 equal to अच्छा neutralization, अब एक concept सुनिए, neutralization भी acid base होगा और ये भी acid base है. ये भी एसिड और बेस का सब्सटेंस है और ये भी एसिड एंड बेस है. हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमें ये इक्वेशन निकालना है या ये इक्वेशन? तो एक सिंपल कंसेप्ट समझना पड़ेगा यहाँ पर, थोड़ा सा लॉजिक में. एसिड बेस ये भी है, एसिड बेस ये भी. हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये वाली इक्वेशन को हमने थ्रू बनाना है क्वेश्चन या फिर इसको अप्लाई करना है? उसके लिए कंडीशन क्या होती है, अगर हमें चारों चीज, एक एसिड का नॉर्मलिटी और वॉल्यूम, दूसरे बेस का मतलब जो दूसरा बेस दे रखा है उसका भी एन और बी मालूम है, यानी कि एसिड का भी मिली इक्विवेलेंट मालूम है एन और बी, बेस का भी मिली इक्विवेलेंट मालूम है. ये बेस भी हो सकता है, आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये आपके पास जो ज्यादा होगा वो ये है, एसिड ज्यादा है तो ये एसिड है, ये बेस है. बेस ज्यादा है तो ये बेस है, ये एसिड है. तो हमें समझना ये है कि जहां पर हमें एसिड बेस का दोनों का मिली इक्विवेलेंट मालूम है तो ये वाला क्वेश्चन लगा नहीं. अगर हमें तीन चीज मालूम है, एसिड का एन भी मालूम है और बेस के लिए हमें केवल वी मालूम है तो एन निकाल देंगे, अगर एन मालूम है तो वी निकाल देंगे. यानी कि इन चार पैरामीटर्स में से अगर तीन पैरामीटर हमें मालूम है, एक निकालना हो तो ये क्वेश्चन लगेगी, चारों मालूम है तो ये क्वेश्चन लगेगी. सिंपलेस्ट कंडीशन फॉर कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस. नॉर्मलिटी का क्वेश्चन अगर आता है, अभी बताते हैं आपको, ये पॉइंट है. थोड़ा सा आगे निकलते हैं हम टॉपिक नंबर फोर में. अच्छा, इसका ये टॉपिक नंबर फोर आपके पास आ गया, जो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास. अच्छा, इस टॉपिक में हम एक वर्ड इस्तेमाल करें बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट. इसके न्यूमेरिकल्स बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट LR बोलते हैं. इट इज सिंपली एब्रिविएटेड एज LR. अच्छा, आप लोग समझते हो लिमिटिंग रिएजेंट का क्या मतलब हुआ? पहली बात तो लिमिटिंग रिएजेंट को हम कैसे डिस्कस करेंगे? देखो, कभी कभी बोलते हैं, घर वाले भी बोलते हैं आपको कि भाई अपने लिमिट पे रहो, लिमिट से बाहर नहीं जाओ. इसका क्या मतलब हुआ? भाई आपको एक लक्ष्मण रेखा बना दी है, उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने पर कार्रवाई होगी, एक्शन विल बी टेकन आफ्टर क्रॉसिंग दिस लिमिट. तो लिमिट का मतलब क्या हो गया फिर आपका? जैसे आप सपोज कर लीजिए, हम डिस्कस करने से पहले एक चीज बता रहे हैं, हमें चाय बनानी हो, फॉर एग्जाम्पल चाय बनाने के लिए जो मैंडेटरी होती है, हमारे पास शुगर चाहिए, हमारे पास मिल्क चाहिए, हमारे पास शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए और टी लीफ. और प्योर चाय नहीं बना रहे हम, हमें पानी भी चाहिए, ये हमें इतनी सारी चीजें चाहिए चाय बनाने के लिए. अब सपोज कर लीजिए हमारे घर पे 200 लीटर पानी पड़ा है, शुगर पड़ा है 2 किलो, मिल्क पड़ा है हमारे पास 100 ml और टी लीफ पड़ी है हमारे पास आधा किलो. अच्छा, ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, हमें चाय बनानी है. तो चाय कितनी बनेगी वो कौन डिसाइड करेगा? आपका मिल्क. मिल्क 100 ml है तो एक कप, आधी कप चाय बनेगी. तो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट फॉर टुडे फॉर मेकिंग टी. टी बनानी थी, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 100 ml में 20 कप चाय बना दो, चाय पीने वाले कुछ बोलेंगे फिर. पॉइंट ये हुआ कि 100 ml हमारे पास है मिल्क, तो आधी कप, एक कप चाय बना के हम किसी को पिला सकते. तो अब अगली बार ये नहीं बचेगा, जो ये डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा या ये डिसाइड करेगा कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट की बनेगी,
जो अभी अभी खत्म हो जाएगा अगली बार के लिए नहीं बचेगा उसका नाम लिमिटिंग एजेंट हो गया। अब इसको हम बदल देते हैं। सपोज करो घर पे हमारे पास 2-3 लीटर मिल्क पड़ा है, लीटर लिखा मैंने ये, और टीनी पड़ी है केवल हमारे पास 10 ग्राम। ये देखो एक टीस्पून टी लीक पड़ी है, तो चाय कितनी बनेगी ये डिसाइड होगा कि भाई चाय पत्ती कितनी घर पे पड़ी है। अगर चाय पत्ती हमारे पास 10 ग्राम पड़ी है तो 2 कप 1 कप आधी कप जो भी चाय बनाने का है बेटा उतना ही चाय बनेगी। इसका मतलब आज के लिए लिमिटिंग फैक्टर कौन हो गया? टी लीफ। तो लिमिटिंग फैक्टर का मतलब हो गया द रिएक्टेंट दैट डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या द रिएक्टेंट व्हिच इज 100% यूज्ड अप, नथिंग रिमेन बैलेंस फॉर द नेक्स्ट टाइम, दैट इज व्हाट वी कॉल द लिमिटिंग रिएजेंट। उसी का नाम लिमिटिंग एजेंट है। थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करते हैं फिर। अगर हमको पूरा मोल कंसेप्ट में, यानी कि बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट हमारे पास केवल मोल कंसेप्ट बेस्ड है, मोल देखना है हमें, ग्राम नहीं देखना है। सपोज हमने एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन शुरू किया, नंबर 1 N2 बोला, 3H2 बोला, रिएक्शन कर दिया हमने NH3। हम अभी ये नहीं बना रहे कि एवर परसेंट यहाँ एफ लिखो एमओ लिखो, कोई नहीं, हमने एक नॉर्मल रिएक्शन बना दी। दीज आर द गैसियस सब्सटेंसेस, अमोनिया गैस बना दी हमने। अब आप ध्यान से चेक करेंगे इसका मोल 1 है तो ये 1 मोल हो गया इस समय जो दिखाई दे रहा है आपको। ये इसका 3 मोल लिखा ऊपर, 1H2 3H2 2 का रेशियो है। अब बेटा हमें अगर मोल के कंसीडर पूछता है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन शुरू किया मैंने, अगर मोल देता है इसका 0.03 तो हमें, और इसको ये देता है हमें 0.06 और अब पूछता है कि कितना अमोनिया बनेगा, ये पूछता है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है एंड हाउ मच मोल। ये मैंने मोल ही लिखा, पहली बात समझ लेना कि ग्राम नहीं लिखा मैंने, मैं क्वेश्चन को टाइप 1 लिख रहा हूं, दिस वन इज द टाइप 1। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर N2 0.03 है तो उसके 3 times ये चाहिए मुझे, तो 0.03 की जगह ये 0.09 चाहिए। मेरे पास एबिलिटी भी केवल 0.06 के, ये चेक करो बेटा 1 mole की वैल्यू 0.03 है तो 3 mole की वैल्यू इसका ट्रिपल हो जाना चाहिए, 0.09 मुझे चाहिए। और अगर ये लिमिटिंग है तो इसका डबल 0.06 बनेगा ये। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो H2 With respect to N2 required है वो 0.09 होनी चाहिए, क्योंकि 1 mole की value 0.03 है तो 3 mole की value 0.09 होनी चाहिए, जबकि available कितना है 0.06। यानी कि हाइड्रोजन दिखने में ज्यादा लग रहा है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि ये लिमिटिंग, ये लिमिटिंग हो गया, नहीं, आपके पास 1 mole की value 0.03 है तो 3 mole की value 0.09 हो गई, जबकि availability 0.06 की है तो ये लिमिट 1 mole 0.03 तो इसका ट्रिपल मोल इसके होने चाहिए, तो 0.09 मोल होने चाहिए। देखिए अवेलेबिलिटी 0.06 की है तो चाहिए ज्यादा, अवेलेबल कम है तो ये लिमिटिंग हो गया बेटा। और ये डिसाइड करेगा कि आप NH3 कितना बनेगा और ये कितना रिमेनिंग बैलेंस होता है। अब मैं आपको समझाता हूं, 3 मोल की वैल्यू 0.06 है, ये बिल्कुल यूनिटरी मेथड, 3 मोल H2 इक्वल टू 1 मोल N2, बहुत क्लियर कर सिस्टम है। ये देखो यूनिटरी मेथड, ये 3 मोल और ये, अब हमें मालूम है कि 3 मोल की वैल्यू 0.06 है तो आपके पास 1 मोल H2 इक्वल टू 1/3 मोल N2, तो हमारे पास 0.06 मोल है H2 के, तो दिस विल फॉर्म 1/3 इंटू 0.06 यानी कि 0.02 मोल N2 आर यूज्ड। 0.06 मोल जब H2 के यूज हो जाएंगे तो उस समय केवल N2 के 0.02 मोल यूज्ड है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, फिर आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन जो मोल्स ऑफ N2 यूज्ड हुए, मैं यहां पर दो चीज लिख रहा हूं बेटा, यूज्ड एंड अनयूज्ड। यूज क्वांटिटी इसकी होगी 0.02, ये हमने लिख दिया। अगर इसके 3 मोल है तो इसका 1 मोल है, इसका मतलब अगर इसका 0.06 मोल टोटल यूज हो गया तो उस समय N2 के केवल 0.02 मोल यूज हुए तो 0.02 हो गया ये।
और इसमें से बचा कितना आप मालूम है आपको, 0.03 माइनस ये तो रिमेनिंग बैलेंस 0.01 मोल हो गया और ये 100% यूज्ड हो गया, 0.06 मोल यूज हो गया और ये जीरो बच गया। तो अब ये डिसाइड करेगा कि ये कितना बनेगा, 1 मोल की वैल्यू हुई कितने आपके, देखो 1 मोल की वैल्यू 0.02 हुई तो इसके तो 2 मोल बन रहे, तो इसके 2 मोल की वैल्यू होगी 0.04 मोल ऑफ NH3 आर लिबरेटेड when 0.06 mole of H2 are involved or are used, then 0.04 mole of NH3 are produced and aapko question puchega, aap isi question ko aage padhega bada, composition of different gases after completion of reaction, question ye puchta hai, composition of different gases after completion of reaction, after completion of reaction पूछेगा तो हमारा आंसर हो गया जो NH3 बना वो बना 0.04 मोल, जो हमारे पास ये तो पूरा यूज हो गया, इसका तो कुछ नहीं बचा, कंपोजिशन में नहीं आएगा, तो हमारे पे जो N2 गैस बचे वो 0.01 बचा, तो N2 इक्वल टू 0.01 मोल और जो H2 हो गया बेटा उसका कोई कंपोजिशन हमारे पास नहीं है, तो आंसर विल बी 0.04 मोल NH3 एंड 0.01 मोल N2 आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। खत्म बात, छोटा सा लॉजिक था लिमिटिंग फैक्टर का, हमने केवल मोल के टर्म्स में बताया आपको, अगर ग्राम के टर्म्स में होगा तो सिमिलर क्वेश्चन, हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फिर मैं मोल के कंसीडर आपको दूसरा ग्राम है, ये एक ही रिएक्शन को डिफरेंट टाइप कर रहे बेटा हम लोग। सपोज कर लीजिए हमको यही क्वेश्चन बोल दिया ग्राम में, बिल्कुल सेम दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपको, हमने लिया जैसे सपोज कर लो SO2 प्लस O2 gives SO3, all are gaseous substances, इससे हमने ये लिया और इसके ग्राम दे दिया हमको, सपोज कर लीजिए इसके हमको दे दिया 120 ग्राम, O2 के ग्राम दे दिया हमको 64 ग्राम, पूछा हाउ मच SO3 इज प्रोड्यूस्ड, हाउ मच व्हिच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, क्वेश्चन तीन ही होंगे बेटा कभी भी, वन व्हिच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, व्हिच वन इज द LR, नंबर टू हाउ मच SO3 इज प्रोड्यूस्ड, हाउ मच SO3 इज प्रोड्यूस्ड एंड रिएक्टेंट, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट व्हिच इज अनरिएक्टेड, quantity of reactant which is unreacted, which is unused लिख देते हैं, which is unused, ये तीन क्वेश्चन पूछेगा कभी भी, तीन ही क्वेश्चन हो सकते हैं इसके। अब क्वेश्चन है हमें ग्राम दिया, हमको मोल के कंसेप्ट में समझना है, तो ये मोल का कंसेप्ट हमारे पास ये है, थोड़ा सा समझ पाते हैं बेटा, ये मोल लिखा मैंने देखो, इसके दो मोल है, सबसे बड़ा हिंट ये है कि ये दो मोल है, ये वन मोल है और ये टू मोल है, ये देखो 2:1:2 का रेशियो हमारे पास दिख रहा है, हमें मोल चाहिए, तो अब हम सबसे पहले इसके मोल निकाल देते हैं बेटा, मोल इनिशियल मोल, ये हम लिख रहे हैं बेटा इसके इनिशियल मोल 120 बाय, अच्छा मोल निकालने के लिए कहीं SO2 के 2 से मल्टीप्लाई मत करना, मोल निकालते हुए केवल SO2 देखना, उसके दो मोल से हमारा कोई मतलब नहीं, तो ये 32 प्लस 32 64 हो गया, 64 हमारे पास आ गया और ये आ गया 64 मॉलिक्यूलर इसका मोल बाय 32 और ये आ गया बेटा दो मोल और इसको मोल निकालते हैं हम लोग तो हमारे पास आ गया बेटा 8 1 जा 8 5 जा 8 1 जा 8 5 जा और 8 8 जा तो हमारे पास आ गया ये 15/8 यानी कि अप्रोक्सीमेट 1. समथिंग हम इतना ही लिख रहे बेटा अभी तो ये हमारे पास आ गया 15/8 यानी कि 1.9 1.8 जो भी आएगा डिवाइड करके हमारे पास तो ये हमारे पास 8 1 जा 8 आपके पास आ गया 7 8 9 7 2 हमने 8 अप्रोक्सीमेट लिख दिया 1.9 मोल अप्रोक्स हो गया बेटा ये अप्रोक्स लिख दिया
अच्छा इसका दो मोल है, इसके कितने, आप लॉजिक सुनो, इसके दो मोल की वैल्यू कितनी है 1.9, जिसके इसके वन मोल की वैल्यू कितनी है 2, अगर इसको मैं कंसीडर करता हूं वन मोल की वैल्यू 2 है बेटा, तो इसके दो मोल की वैल्यू तो 2 का डबल होनी चाहिए, 4 मोल होनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो 1.9 मोल ही है, तो इसका मतलब आपके पास फिर से उल्टा भी सोच सकते हो आप, दो मोल की वैल्यू 1.9 है तो एक मोल की वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.95 के आसपास आया, तो 0.95, तो ये तो आपका 2 है ना, ये तो बच जाएगा ना, फिर आपको इधर से क्लियर करना है 1 मोल की वैल्यू 2 है तो इसका डबल 2 मोल की वैल्यू होनी चाहिए 4, लेकिन अवेलेबल है 1.9, तो ये LR हो गया। क्वेश्चन है हमारे पास LR कौन है, तो LR1 SO2 इज LR। अब ये हम उसके बाद लिखते थे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन used and unused quantity, used and unused, हमेशा दो कॉलम बनाएंगे, ए पूरा का पूरा यूज हो गया क्योंकि लिमिटिंग है 1.9 पूरा यूज हो गया, तो ये बचा 0, ये दो में से इसका 2 मोल की वैल्यू आपके पास 1.9 है बेटा, तो 1 मोल की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास 0.95 आएगा, तो इसका 0.95 यूज हो गया, ये 0.95 इसका यूज हो गया, दो में से 0.95 केवल यूज हो पाया क्योंकि एक दो मोल की वैल्यू 1.9 है, दो मोल की वैल्यू 1.9 है तो वन मोल की वैल्यू 0.95 इसका मतलब आपके पास हो गया, ये यूज, अनयूज्ड बचा 1.05, ये देखो अनयूज्ड बन गया। अब ये डिसाइड कर रहा है इसके दो मोल की वैल्यू 1.9 है, तो ये भी दो मोल है बेटा, वो भी 0.19 मोल ही बनेगा। आपको मोल में नहीं चाहिए आंसर, तो आपको ग्राम में चाहिए, तो 1.9 × 64, 1.05 × 32, 1.9 × इसका मॉलिक्यूलर मास, तो आप करेंगे तो आपके पास ग्राम में निकल जाएगा, अभी ग्राम में सब्सटेंस था तो आपको आंसर भी ग्राम में निकाल सकते, जो भी मोल आया उसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम में आंसर आ जाएगा। कंपोजिशन पूछेगा तो SO3 1.9 मोल, ग्राम पूछेगा तो 1 मोल 1.9 इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस 1.05 इसका बच गया है और ये 0 बच गया बेटा, तो कंपोजिशन केवल O2 का और SO3 का मिलेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल द लिमिटिंग रिएजेंट व्हिच डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। एक छोटा सा पॉइंट बेटा, अब इस पॉइंट को आप थोड़ा सा इस ढंग से लिखिए, दूसरे पॉइंट में इसी का टाइप 3 क्वेश्चन, पहले हमने मोल किया फिर हमने ग्राम वाला किया, अब हम एक वॉल्यूम वाला कर रहे हैं, तो सबसे पहले वापस मैं इसी पॉइंट को ले, तो ये बड़ा लॉजिक हो गया, N2+3H2 गिव्स हमने किया बड़ा NH3, सपोज कर लीजिए ये दो मोल हो गए, हमने ऐसा लिखा, तो अब हम ये तय कर रहे हैं कि इसमें ml दिया है, सपोज करो इसके 30 ml दे दिया, इसके भी 30 ml दे दिया, अगेन वही तीन क्वेश्चन, व्हिच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, how much volume of NS3 will be produced and how much volume of reactant which is unused by how much quantity, वो तीन ही क्वेश्चन होंगे, तो हमें वही क्वेश्चन समझना है कि कितना बनेगा। अब लॉजिक सुनिए, एक बड़ा हिंट है, जब भी वॉल्यूम पे देगा तो हम मोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमेशा डिवाइडेड बाय एक ही नंबर करेंगे, वो हम तब कर रहे थे जब मॉलिक्यूलर मास अलग अलग था, वॉल्यूम से डिवाइड करने के लिए तो एसटीपी बाय 22.4 से डिवाइड होता है, तो इसलिए हम हमेशा एमएल वाले लॉजिक को एमएल में ही रख देंगे, इसको मोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। टाइप 3 को आप थोड़ा सा और ध्यान से सुनिए, टाइप 3 को ध्यान से सुनिए, इफ वॉल्यूम of substance is given in ml or liter, then we are not supposed to convert it into respective moles. ये लो सेक्स लोगों को लिया, आपको आप अटर्न मालूम है कि जितना इसका वन मोल है, इसका थ्री मोल है, वॉल्यूम दे रखा, तो उसी के अनुसार हम क्वेश्चन निकाल देंगे। अब पॉइंट सुनिए क्या हुआ, हम बोल रहे हैं ये दोनों दिया है, तो इसका वन वॉल्यूम है, इसका थ्री वॉल्यूम है, अब क्वेश्चन थोड़ा बदल देगा बेटा, अब बोला इस टाइप में क्वेश्चन, कैलकुलेट the composition of different gases in this reaction when reaction is completed 40% only,
रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं हुई, रिएक्शन इज कंप्लीटेड बाय 40% बाय 60% कंप्लीटेड बाय 40% ओनली 60% ओनली 50% ओनली। उस केस में हमने डिफरेंट गैसेस का कंबुशन को क्वेश्चन पूछेगा, थर्ड टाइप, तीन ही वैरायटी होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक क्लियर करता हूं। पहले आप निकालो 100% में क्या होता, 40% को छोड़ दीजिए, तो इनिशियल हमारे पास ये है। अब लिमिटिंग पता करो, 1 मोल की वैल्यू कितनी आपको दिख रही है, 30 मोल। तो बेटा अगर इसको हम लिमिटिंग लेते हैं तो इसका तो थ्राइस मॉलिक्यूल है, तो इसको तो 90 ml हो जाना चाहिए। देखो फिर से समझ लो, 1 मोल की वैल्यू 30 ml है, तो 3 मोल की वैल्यू 90 ml चाहिए मुझे, लेकिन मेरे पास तो अवेलेबिलिटी 30 ml की है। तो इसका मतलब उल्टा बोलो आप, 3 मोल की वैल्यू 30 है तो 1 मोल की वैल्यू 10, तो ये बच सकता है, लेकिन अगर इसको लिमिटिंग दिया जाए तो ये अवेलेबिलिटी कम है, चाहिए ज्यादा। 1 मोल की वैल्यू 30 तो 3 मोल की वैल्यू 90, अवेलेबल 30 ml है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास अवेलेबिलिटी हाइड्रोजन की कम है और रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट LR ये बन गया। पहला कंडीशन तो ये आ गया हमारे पास। दूसरा कंडीशन हम निकालते हैं, जब 3 मोल की वैल्यू 30 है बेटा, तो 1 मोल की वैल्यू 10 हो गई। तो आप पहले लिखो 100% कंप्लीशन, अगर रिएक्शन होती है 100% कंप्लीशन, रिएक्शन को 100% कंप्लीट करेंगे तो यूज्ड एंड अनयूज्ड, तो यूज हमारे पास हो गया, ये आपके पास 30 ml, 3 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 10 ml, तो ये केवल 10 ml यूज हुआ, जब ये 10 ml यूज हो गया तो इस समय ये 20 ml बच गया। ये बेटा आपके पास यहां पर देखिए 3 ml आपके पास है 30, तो ये 100% यूज हो गया, 30 ml यूज हो गया। अच्छा अब 1 मोल की वैल्यू 10 ml है, देखो जो यूज होता है उससे प्रोडक्ट बनता है, 1 ml की वैल्यू सॉरी 1 मोल की वैल्यू 10 ml है, तो इसका डबल ये बनना, तो ये 20 ml बन गया। ये देखो ये 20 ml बन गया, ये 30 ml बन गया, ये 20 ml बन गया। मैं थोड़ा सा और क्लियर कर रहा हूं, केवल 100% यूज्ड के लिए निकाला हमने, ये रिमेनिंग बैलेंस है इससे हमारा कोई मतलब नहीं, तो हम 100% को मैं सर्कल कर रहा हूं। ये देखो ये 100% निकाला मैंने, अगर मैंने 100% 10 ml 30 ml 20 ml कर दिया है जब 100% यूज हुआ, तो हमें तो चाहिए 40% में। तो आप 40% का लॉजिक सुनो बेटा, 40% कंप्लीशन में इनिशियल वैल्यू यही है, इनिशियल क्वांटिटी कहीं नहीं जाएगी, तो कंप्लीशन अगर होता तो यूज्ड एंड अनयूज्ड, थोड़ा सा समझ पाएंगे बेटा। यूज निकालूंगा तो इसका 40% ऑफ 10 आपको मैंने सर्कल करके दिया, देखो ये जो बॉक्स बनाया हुआ है इन सब का 40% निकालना बस। अगर बोलेगा 60% तो इन सब का 60% निकाल दो, अगर बोलेगा 90% तो इन सब का 90% निकाल दो। सपोज इनिशियल क्वांटिटी 30 है लेकिन यूज 100% वाले में केवल 10 होता है, अगर 40% कंप्लीशन है तो केवल इसका 40% ऑफ 10 बेटा आपके पास ये आया है, तो 4 ml हो गया। देखो ये आपके पास आ गया बेटा 4 ml, इट्स यूज्ड, इनिशियल था कितना 30 ml, यूज कितना हुआ 4 ml, कब हुआ यूज जब 40% था, तो अनयूज्ड हो गया हमारे पास 26 ml, ये सर्कल कर दिया बेटा। इन दिस सिमिलर वे अगर हम H2 की बात कर रहे हो तो कितना यूज हुआ वो 30 ml व्हेन रिएक्शन इज सपोज्ड टू बी 100% कंप्लीशन, कंडीशन इज चेंज, कंडीशन इज चेंज मींस व्हेन द रिएक्शन इज ओनली 40% कंप्लीटेड देन 40% ऑफ दिस विल बी यूज्ड इन द रिएक्शन, तो हमारे पास इसका 40% निकालेंगे, 40% ऑफ 30 बेटा ये आपके पास बन गया है 12 ml, ये 12 ml आपका, तो अब आपके पास इसका भी अनयूज्ड हो गया। फिर देखो क्योंकि 30 माइनस 12 इसका अनयूज्ड, तो आपके पास आ गया बेटा 18 ml, ये देखो ये 18 ml बन गया। थर्ड वन ये कितना बना, तो 20 ये कितना बना, अब उसको हिसाब से नहीं चलेंगे हम सीधा बता देंगे कि भाई ये 4 बना तो वो 8 बना, 8 बना, ये वैसे भी आप निकाल सकते हो, अगर इसका 40% बना हुआ तब भी 8 ही बनेगा, 40% ऑफ 20, 40% ऑफ 20 निकालो या इसका उल्टा करो 40% ऑफ 20, ये यूज केवल 4 ml है, तो 1 मोल की वैल्यू 4 ml है, तो आपके 2 मोल की वैल्यू 8 ml आ जाएगी, तो आप बना सकते हैं बेटा ये 20, this will be 8 ml. तो composition of different gases after completion of reaction, अगर हमको question पूछा था, तो हम लिख सकते हैं फिर यहाँ पर जो ammonia बना, वो बना 8 ml. और जो N2 हमारे पास बचा, जो remaining balance है बेटा N2, this will be 26 ml.
और अगर हमारे पास हम बोलते हैं एच टू, तो एच टू विल बी 18 ml रिमेनिंग, 18 ml. तो कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट गैसेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 40% रिएक्शन विल बी 8 ml ऑफ NH3, 26 ml ऑफ N2 एंड 18 ml ऑफ H2 इज देयर इन अ सॉल्यूशन. क्लियर कंसेप्ट है. अब आप नोट करेंगे, दिस इज द फैक्टर ऑफ लिमिटिंग बेटा. लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन आपको इस ढंग से और पूछता हूं. अब टॉपिक 5 में चले जाओ. इस समय जो हमारे पास टॉपिक 4 था, दिस वन इज द टॉपिक 5 फॉर द बेसिक कंसेप्ट. टॉपिक 5, टॉपिक 5 में हमारे पास आया बेटा, सपोज इस टाइप के रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन में हम POAC एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, POAC. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. कंजर्व मींस प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने सुना है, कंजर्वेशन ऑफ मास. नाइदर द मास बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसी ढंग से कंजर्वेशन एनर्जी वाला, नाइदर एटम आर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द रिएक्शन. जिसमें बैलेंस रिएक्शन में करना पड़े हमें, अप्लाइड फॉर इम्बैलेंस रिएक्शन. सबसे बड़ी बात, अप्लाइड फॉर अनबैलेंस रिएक्शन, अनबैलेंस रिएक्शन. अनबैलेंस रिएक्शन के लिए अप्लाइड करेगा ये. अगर बैलेंस रिएक्शन तो कोई जरूरत नहीं है POAC बनाने की. तो पॉइंट वाइज समझ लेते कि POAC में है क्या. एक एटम जिसको हम कंजर्व ले रहे हैं वो किस ढंग से काम करेगा, इसको समझना है. थोड़ी देर के लिए POAC का टेक्निकल पॉइंट समझ लो. सपोज कर लीजिए आपको बोला KCl3 gives KCl plus O2. ये बैलेंस नहीं है. अब आप यहां पर बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के बजाय आप क्वेश्चन देगा, सपोज करो इसके 30 ग्राम. क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मच ग्राम ऑफ O2 आर प्रोड्यूस्ड. ये क्वेश्चन होगा बेटा. तो यहां पर KCl3 और O2 में कंजर्व एलिमेंट ऑक्सीजन हो गया. तो यहां पर कल हमने आपको इससे पहले बताया था KCl3, 1 mole ऑफ KCl3 मींस 1 mole के 1 mole Cl वाइल 3 moles ऑफ ऑक्सीजन. इसका मतलब हो गया कि 3 moles ऑफ ऑक्सीजन और यहां 2 mole ऑफ ऑक्सीजन इन अ 1 mole ऑफ O2. यहां इसका अगर कंपाउंड लेते हैं तो इसके 3 moles है, 1 mole के साथ 3 mole, इसके 1 mole के साथ 2 mole इंडिविजुअल ऑक्सीजन के. तो POAC में कंजर्व एलिमेंट, मैंने ऑक्सीजन लिया, तो तरीका सुनो बड़ा कैसे निकलता है. POAC विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन लिया हमने, ऑक्सीजन के इसके 1 mole में ऑक्सीजन के 3 mole, तो सीधा सीधा आ गया 3 into mole ऑफ KCl3 इक्वल टू 2 into mole ऑफ O2. ये आपके पास, तो 3 into mole ऑफ KCl3 वेट W1 अपॉन M1 इक्वल टू 2 into W2 अपॉन M2. अच्छा चेक करेंगे आप, इसका मॉलिक्यूलर मास हमें मालूम होगा, निकाल के देगा या दिया रहेगा. W1 हमें मालूम है 30, 2 हमें मालूम है, इसका W2 हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर मास का 32 हो गया. तो W2 विल बी कैलकुलेटेड, सीधा आ जाएगा बेटा आंसर, कोई गड़बड़ नहीं. POAC विद रिस्पेक्ट टू, ये आपके पास बेटा छोटा सा लॉजिक बेटा, POAC का एक लॉजिक. मैंने दूसरा एग्जाम्पल लेने की कोशिश की. सपोज कर लीजिए हमको बोलेगा एक MF6 कोई कंपाउंड है, ये रिड्यूस करके या किसी मैनर से ये इससे मेटल बना, ये M में कन्वर्ट हुआ. सपोज कर लीजिए इसका आपको ग्राम दे रखा है, आपको एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 15 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस. एंड क्वेश्चन है कि इसका आपके पास 6 ग्राम मिला. अब पूछेगा व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम, एटॉमिक मास ऑफ एम. क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ एम,
ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो आप तरीका बिल्कुल पीओएसी का है। अब ये भी एम है, ये भी एम है, कंजर्व एलिमेंट में एम हो गया, तो पीओएसी विद रिस्पेक्ट टू एम लिखना पड़ेगा आपको, पीओएसी विद रिस्पेक्ट टू एम। अगर आपने लिखा है तो पीओएसी विद रिस्पेक्ट टू एम का मतलब आपके पास एम एफ सिक्स, तो फॉर्मूला आपने लिखा डब्ल्यू वन अपॉन एम वन इक्वल टू, इसका एक एक मोल है इसलिए वन मोल ऑफ एम एफ सिक्स इक्वल टू वन मोल ऑफ एम, मोल नहीं लिखा मैंने, डायरेक्ट लिख दिया डब्ल्यू टू अपॉन एम टू आपके पास आ गया। अब चेक करेंगे डब्ल्यू वन इसका 15 है और एम का एक्स मान लीजिए और फ्लोरिन का 19 होता है, 19 इंटू सिक्स 114 इक्वल टू डब्ल्यू टू सिक्स बाई एम टू, इसका आपको निकालना है एक्स, बस इसको सॉल्व कर लीजिए एक्स की वैल्यू निकल गई। क्लियर कट सेंस से पीओएसी को रिलेट कैसे करना है, पीओएसी का जितना बड़ा कॉम्प्लेक्स हो बेटा हम हमेशा इसी फॉर्मूले से बनाएंगे कि पीओएसी में हुआ क्या है। सपोज कर लीजिए आप किसी ने तीसरा क्वेश्चन बता देता हूं आपको, फिर आप सीएल टू है, किसने बोला ये सीएलओ थ्री माइनस में गया, ये कंपाउंड है। अब इसमें आपको बोला कि इसके 50 ग्राम है, बोलेगा इसका कितना ग्राम है, ये आपको 50 ग्राम है, बोलेगा इसका कितना ग्राम है बताइए, तो बिल्कुल वही है यहां पर पी ओ ए सी विद रिस्पेक्ट टू सी एल लिखा है मैंने, तो ये आपके पास हो गया 2 मोल सी एल, 2 इंटू मोल ऑफ सी एल टू इक्वल टू 1 मोल ClO3 नेगेटिव। आप सीधा कर लीजिए 2 इंटू डब्ल्यू वन बाई एम वन इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू, आपका मास इसकी क्वांटिटी निकल जाएगी क्योंकि सीएल आपका मॉलिक्यूलर मास मालूम है आपको, इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम है, डब्ल्यू वन मालूम है, आपको डब्ल्यू टू निकल जाएगा। रिलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स विद रिस्पेक्ट टू पीओएसी, इसका भी क्वेश्चन। एक थोड़ा सा आपको खूबसूरत क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको इसी में, एक पॉइंट में थोड़ा सा इसको चेक करेंगे आप, समझने की कोशिश करेंगे। एक पॉइंट आता है हमारे पास कभी भी ये बेटा, हमारा क्वेश्चन आता है इसमें टॉपिक नंबर 6 में किया हम लोग इसमें इस टाइप का। अच्छा हम थोड़ा समझ पाएंगे कि हम क्या, आपको वेपर डेंसिटी आप समझते हो बेटा, वेपर डेंसिटी होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एमएम लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 इक्वल टू वेपर डेंसिटी। अगर आपको वेपर डेंसिटी के सारे मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है तो 2 इनटू वेपर डेंसिटी हो जाएगा। अब क्वेश्चन सपोज इस टाइप का पूछता है आपको, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, सपोज कर लीजिए वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग, एक क्वेश्चन लिखा मैंने वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग NO2 एंड N2O4 is we have been given 27.6, then calculate the mole fraction of NO2 in the mixture, in given mixture. ये बेटा वेपर डेंसिटी का रिलेशन करके क्वेश्चन बना दिया। अच्छा एक बात क्लियर करनी है, मैं यहां पर लिख रहा हूं वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सर का फॉर्मूला बेटा, जब भी मिक्सर होगा बेटा क्योंकि रिलेट कर रहा हूं वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सर, मस्ट बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इस समय NO2 हमारे पास है, मोल फ्रैक्शन दिस इज जाई NO2 इनटू वेपर डेंसिटी ऑफ NO2, वेपर डेंसिटी NO2 प्लस जाय ऑफ N2O4 डाइमर इनटू वेपर डेंसिटी ऑफ N2O4। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन का सभी का एक ही तरीका होगा कि जब भी मिक्सर की वेपर डेंसिटी देगा अलग अलग का फ्रैक्शन निकालने के बोलेगा, या वेपर डेंसिटी उसके टर्म्स में आपको कोई क्वेश्चन पूछता तो लॉजिक यही होगा। तो हमने मान लिया, मान के चलिए वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सर इज 27.6 इक्वल टू जाय ऑफ NO2 की वैल्यू हमने x मान लिया खुद ही, या a मान लिया, x है आपको a मान लिया मैंने, A into molecular mass upon 2, NO2 का molecular mass देखिए 14 plus 32 by 2,
तो 23 46 बाय 2 आ गया, यानी कि मैं लिख रहा हूं बेटा 46 बाय 2 प्लस एन, इसका अच्छा दोनों का एन फैक्टर आपको मालूम है, जाय ए प्लस जाय बी मिलके 1 होगा, तो ये 1 माइनस ए हो गया, इनटू आपके पास हो गया बेटा ये इसका डबल 46 का डबल 92 बाय 2, ये बेटा आपके पास मोल फ्रैक्शन। तो हमारे पास आके देखो 26.6 इक्वल टू ए इंटू 23 प्लस 1 माइनस ए इंटू 46, यहां से कॉमन ले सकते हैं आप 27.6 इक्वल टू 23 कॉमन ले लीजिए, यहां ए प्लस 2 इंटू 1 माइनस ए बच गया, 23 को कॉमन ले लिया, 27.6 बाय 23 इक्वल टू आपके पास आ गया ये ए प्लस 2 माइनस 2 ए, 23 ए 2 माइनस आपके पास आ गया 2 इंटू 1 माइनस ए, आपके पास वैल्यू आ गई है ये, इसे 2 ए निकाल दीजिए आप, ए आ गया, तो ये आपका ए इक्वल टू 2 माइनस 1 पॉइंट समथिंग, ये आपके पास आ गया 27.6 बाय 23, बस आप सॉल्व कर लीजिए, फ्रैक्शन ऑफ NO2 आ गया, और उसमें से एक 1 में से कम कर देंगे, फ्रैक्शन ऑफ NO2 4 आ जाएगा। क्लियर कट सेंस है, कभी भी मिक्सर का आपको वेपर डेंसिटी देता है और आपको मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो उस मिक्सर का वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल इनटू वेपर डेंसिटी ऑफ द सेम सब्सटेंस प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सब्सटेंस इनटू वेपर डेंसिटी ऑफ द सेम सब्सटेंस। वेपर डेंसिटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड थ्रू MM यानी कि मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, दिस इज ऑलवेज एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये एट 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ये फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है, ये जब भी हम निकालेंगे अगर 25 से हम अगर ज्यादा या कम पे निकालते हैं दैट विल बी स्मॉल डी, दिस इज कैपिटल डी, कैपिटल डी इज ऑलवेज कांस्टेंट बिकॉज मॉलिक्यूलर मास विल नॉट बी चेंज्ड। एक सिंपल पॉइंट बेटा हमारे पास ये बेटा, अब हमारे पास कंडीशन थी कि हमने इस टॉपिक में किस किस चीज को रिलेट किया है और कौन कौन सी चीज को हमने एम्फोसाइज किया और क्या चीज, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला वो आपको मालूम होता है बेटा, आराम से वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला क्वेश्चन बन गया था, तो इसलिए हम उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्रैश कोर्स है। तो हमने सारे कंटेंट जो जो इस टॉपिक में हो सकते थे बेटा वो हमने आपको क्लियर कराया।